सभी लोग आ चुके हैं ठीक है हेलो फ्रेंड्स तो वेरी गुड इवनिंग मैं आयुषी मिश्रा जी के क्रेज बाई एम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ तो सभी लोग बताइए कैसे हैं आप सभी लोग एल आ चुके हैं ठीक है मोहित उज्जवल जी भी आ चुके हैं जीत घोष भी आ चुके हैं हाँ तो साइंस का क्लास चल रहा है यहाँ पर तो आज आपके लिए एक स्पेशल मैराथन थी ठीक है साइंस की सभी लोग कह रहे थे कि मिक्स क्वेश्चन करने थे पंकज जी भी आ चुके हैं राम राम जी ठीक है तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज संडे की वजह से संडे स्पेशल में सारे तरीके के क्वेश्चन है फिजिक्स के हों केमिस्ट्री के हों या फिर बायोलॉजी के हों ठीक है तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे और बाकी फिर आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी एन ठीक है एन को भी लेके आएंगे ठीक है तो एन सी के कल भी बात हुई थी आप लोगों से कि एन में आप आ, कौन सा सेगमेंट जो है सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे या फिर कोई स्पेसिफिक बुक ऐसा या फिर एन के सारे क्वेश्चन ठीक है तो बहुत जल्दी हम लोग जैसे ही हमारा क्लियर होगा वैसे ही सोनिया जी भी आ चुकी हैं ठीक है, है? चलिए तो सभी लोग क्वेश्चन जल्दी बताइए कि सभी लोग तैयार हैं क्वेश्चन की शुरुआत करी जाए आज की नहीं जल्दी जल्दी से बताते जाइए सभी लोग ठीक है चलिए फिर चलते हैं स्टार्ट करते हैं तो आज का अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं ठीक है सोनिया जी हाउ आर यू ठीक है चलिए सोनिया जी से पूरी प्रॉपर बात हो रही है ठीक है एलपीजी जी बराबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है अब चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा बोल रहा है ठीक है तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए ठीक है क्या है आज क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे ठीक है सारे कुछ एकदम से एक जैसे क्वेश्चन नहीं होंगे ठीक है तो क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले बात हो रही ऊर्जा के ठीक है कैसे गैर पारंपरिक स्रोत की बात हो रही कि पहचान कीजिए तो कैसा होगा तापीय ऊर्जा होगी यानी कि हमारी कौन सी थर्मल एनर्जी होगी या फिर गैस की शक्ति यानी गैस पावर होगी या फिर परमाणु ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर पावर होगी या फिर ज्वारीय ऊर्जा होगी यानी कि हमारा क्या होगा टाइडल एनर्जी होगी तो जल्दी से बताइए कि अगर बात होती है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की तो ये इसका होगी हो 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 तो ये क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन जो है एएलपी को लेके ठीक है सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो ए में सारे रिपीट हुए हैं ठीक है इसलिए याद रखिएगा कि हमारा जो बेसिक यहाँ आज का बनाना था वो क्या था कि रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए था ठीक है हाँ एनसीआर टी का नहीं आ, हमारा पेड नहीं होगा ये जो होगा वो ऐसे ही चलेगा यूट्यूब पे चलेगा हमारे जी के क्रेज बाई एम डी क्लासेस पे ठीक है तो सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और क्वेश्चन आज एक भी नहीं छूटने चाहिए चलिए तो फिर बात करते हैं तो हमारा जो गैर पारंपरिक स्रोत की बात करी जाएगी अगर यानी कि नॉन कन्वेंशनल एर, सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारा क्या हो जाएगा जो ऊर्जा यानी कि टायर्ड एनर्जी हो जाएगी ठीक है अब अगर बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं दो तरीके के होते हैं ठीक है कितने के होते हैं एक हमारा कौन सा होता है, होता है, ठीक है? और दूसरा कौन सा पेट्रोल होगा इलेक्ट्रिसिटी होगी या फिर फायर होगा स्ट्रॉ होगा या फिर डायर ड्रग्स होगा ठीक है फिर अगर नॉन कन्वेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा बायो एनर्जी सोलर एनर्जी विंड टायर्ड एनर्जी तो यहां पर जो क्वेश्चन में था वो हमारा क्या पूछा गया था टायर्ड एनर्जी या फिर ज्वार एनर्जी ठीक है आप समझिएगा कि इस चीज को अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो दो तरीके के थे यानी कि कन्वेंशनल और हमारा कौन सा था नॉन कन्वेंशनल तो कन्वेंशनल वो होंगे जो समय के साथ खत्म हो जाएंगे ठीक है जिनकी खत्म होने की आशंका है ठीक है तो वो क्या होंगे कन्वेंशनल तो ये कैसा हो जाएगा कोल कोल हो गया पेट्रोलियम हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गई इनका क्या है इनको हम लोग देखते हैं कि ये समय कुछ समय बाद क्या होंगे खत्म होने की इनकी आशंका है ठीक है खत्म होने की इनकी आशंका है पर ये नॉन कन्वेंशनल कौन से हो जाएंगे यानी कि गैर परंपरा जिनको हिंदी में बात कर रहे थे तो हमारा बायो एनर्जी सोलर एनर्जी विंड ट्राइड या फिर क्या हो जाएगा कैसी एनर्जी ऑफ फॉर्म या फिर अनवर तो अर्बन ठीक है अर्बन वेट तो इनको याद रखिएगा ये ऐसी ऐसी एनर्जियाँ है यानी कि नॉन कन्वेंशनल में ऐसी एनर्जी आएंगी जो क्या होंगी हमारे या फिर कैसे सोर्स आएंगे जो समय के साथ विलुप्त होने की जिनकी क्या है आशंका हम हमें बहुत कम दिखती है ठीक है और क्या होगा उनकी एनर्जी जो होती है वो हमको या फिर इनके जो सोर्स होते हैं वो हमें बस थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं कंपेरिजन टू तो किसका कोल हो गया पेट्रोलियम हो गया महंगे तो ये भी पड़ते हैं पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम बायो एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी अभी जो है हमारे यहाँ कुछ क्या है कैसी है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ठीक है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि गैर पारंपरिक हाँ रिवॉर्डल हाँ ठीक है मोहित तो उज्जवल जल्दी बता रहे हैं ठीक है तो गैर इसमें क्वेश्चन में जो हमारा पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि गैर जो है गैर पारंपरिक यानी कि नॉन कन्वेंशनल पूछा गया था तो ये हमारा इसमें क्या होगा बायो एनर्जी सोलर एनर्जी विंड ठीक है तो जल्दी से बताइए कि ये क्वेश्चन किसी तरीके की इसमें कन्फ्यूजन है आप लोग फटाफट जल्दी से आंसर दे बताइए कि कोई कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में ठीक है ये क्वेश्चन आप लोगों को पहला जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी जल्दी सभी लोग बताते जाइएगा ठीक है फिर अगर बात करते हैं अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरी टाइम ठीक है अब क्या है मैरी टाइम की बात हो रही है कि मैरी टाइम जो है वो किसके लिए उपयोग में आता है ठीक है किस उपयोग में की जाने वाली हम गति की इकाई को क्या कहते हैं यानी कि जो मैरी टाइम है वो किसके लिए होता है कि वॉट इज द यूनिट ऑफ स्पीड ठीक है स्पीड के लिए है सारी है पर जो हम पूछ रहे हैं कि मेरी टाइम जो है वो किसके लिए होगा समुद्री मील के लिए होगा मील प्रति घंटा के लिए होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड के लिए होगा या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा के लिए होगा तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि इन तीनों ऑप्शन में जो हमारा है ये अलग हमको दिख रहा है ठीक है अगर प्रति घंटा या या फिर फिर मीटर की बात करें किलोमीटर की तो ये हमें एक जैसे कुछ कुछ दिख रहे होंगे ठीक है पर ए हमारा यानी कि समुद्री मील की बात करें यानी टाइम की बात करेंगे तो ये हमारा किस लिए उपयोग समुद्री मील के लिए होगा यानी कि समुद्री मील क्या समुद्री में जब समुद्र की गहराई का पता लगाना होता है बेसिकली या फिर किसी तरीके की समुद्री चीजों का ठीक है तो वो क्या होगा हमारा मैरी टाइम होगा ठीक है क्या होगा मैरी टाइम यानी कि समुद्री मील होगा जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं नॉट कहते हैं ठीक है थीके? क्या कहते हैं नॉट तो नॉट से आप अंदाजा लगा सकते होंगे अगर समुद्री मील का आपको नहीं लग रहा है ठीक है आम्रपाली जी भी आ चुकी हैं लक्ष्मण जी भी आ चुकी हैं नहीं यूपीएससी में नहीं ये सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आ सकते हैं ऐसा नहीं कि यूपीएससी में नहीं आ सकते पर आज का जो आपका क्वेश्चन है वो सारे एक एक क्वेश्चन रेलवे में आए ठीक है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ए के लिए सारे रेलवे बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए ये मत सोचिएगा कि नहीं ये क्वेश्चन इधर आएगा ये सिर्फ आप लोगों के एग्ज़ाम के ही पूरा मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन हमने निकाले हैं ठीक है ठीके? तो चलिए पढ़ते रहिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए ये सारे रिपीटेड हैं ठीक है ठीके? चलिए ठीक है फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर क्या करता है वह आग को पकड़ लेता है ठीक है और क्या लगता है जलने लगता है ठीक है तो ये याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है थीके? ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन नहीं है जो ना पूछा गया हो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा ठीक है थीके? कि वह न्यूनतम ताप क्या है जिसमें किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है या फिर जलने लगता है कि वॉट इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट द मे द कैच द फायर

क्वेश्चन हो या फिर रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है थीके? ये उनसे यूथ हमारा कल से फिर आएगा ठीक है तो याद रखिएगा ट्रेस योगा जी भी आ चुके हैं ठीक है थीके? तो ये क्या होगा हमारा प्रज्वलन तो आप होगा ठीक है प्रज्वलन तो आप क्या होता है कि वह यानी कि प्रज्वलन दर वो दर होती है जिसमें क्या होता है किसी भी आ, जो हमारा पेट्रोल हो गया या फिर किसी भी तरीके का जो ईंधन होता है वो हवा से रिएक्शन करके ठीक है हवा से रिएक्शन करके क्या आग पकड़ लेता है ठीक है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रज्वलन ताप बोलेंगे ठीक है याद रखिएगा प्रज्वलन ताप बोलेंगे अब सभी का जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए कि आज के जो क्वेश्चन है वो सभी को कैसे लग रहा है थोड़ा सा अलग होंगे Uh, कोई बात नहीं राजेश कुमार मीणा जी कल आपका बर्थडे रहा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लेट हो गए जल्दी जल्दी से आते जाइए ठीक है और, और क्वेश्चन लेते जाइए आज के क्वेश्चन सभी का कमेंट आना चाहिए कि आज के क्वेश्चन की बात करी जाए तो कैसे हैं ठीक है, है? मोहित उज्जवल जी भी बोल रहे हैं और एक एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है क्या हुआ है एक एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके उसमें नहीं आया हो ठीक है यानी कि आपके रेलवे एग्जाम में ना आया हो ठीक है तो ये सारे रेलवे के एग्जाम हैं तो जल्दी जल्दी लगाया जाए ठीक है अब ठोसों का आप बढ़ाने पर कड़ों की में क्या होता है इंक्रीज होते हैं यानी देन डिक्रीज हो जाते हैं या फिर बढ़ जाती है या फिर क्या होती है घट जाती है तो जल्दी से बताइए ये तो भाई आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए ठीक है यानी कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ है ठीक है तो अगर बात करी कि ठोसों का ताप बढ़ने पर कड़ों की गतिज ऊर्जा क्या होगी सबसे पहले क्या होगी अगर हम बात कर देंगे तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी सी हो जाएगा ठीक है क्या होता है बढ़ जाती है यानी कि इंक्रीज हो जाती है क्यों इंक्रीज हो जाती है भाई अब ठोसों का ताप बढ़ाने पर आपको पता है कि जब हम बॉइल करते हैं ठीक है क्या करते हैं बिपिन यादव जी भी आ चुके हैं ठीक है सभी ट्रेस योग राजेश ठीक है सभी लोग आ चुके हैं ठीक है तो अगर बात करते हैं कि हम सबसे पहले कि ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी बढ़ जाएगी क्यों जब आपको पता है कि पानी को

ठीक है किस में पाई जाती है गैस में पाई जाती है ठीक है तो किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की तो गतिज ऊर्जा हमारी सबसे पहले सबसे ज्यादा गैस में ठीक है फिर किस में होगी लिक्विड में और फिर किस में होगी सॉलिड में होगी ठीक है तो यहां किसकी बात हो रही है सॉलिड की बात हो रही है ठीक है क्या और ये भी देखिए कि एक काइनेटिक एनर्जी का ये भी फिगर देख सकते हैं कि इसमें क्या है लड़की पहले कैसी है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर अवस्था में और फिर ये किस में बदल गई काइनेटिक एनर्जी में बदल गई यानी कि जो लड़की में स्विंग करते टाइम झूला झूलते टाइम क्या हो रही है गति हो रही है ठीक है तो ये हमारी क्या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ठोसों का ताप बढ़ाए तो जैसे ही ठोस का ताप बढ़ेगा यानी वो लिक्विड या फिर गैस की तरफ मूव करेंगे और जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा वृद्धि हो जाएगी ठीक है नहीं रात की क्लास भी होगी सर अब आपको नए टाइम पे मिलेंगे ठीक है वो थंबनेल में या फिर आपकी क्लास शेड्यूल में लग जाएगी ठीक है सर अभी क्लास लेंगे ऐसा नहीं है कि सर क्लास नहीं लेंगे ठीक है रात की क्लास भी डेली होगी ठीक है फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरी माप को हम लोग किस नाम से जाते हैं ठीक है यानी कि आकाशीय पिंडों की बीच की बहुत लंबी दूरी को हम लोग किस नाम से जाते हैं मीटर के नाम से जानते हैं या फिर इंग्लिश में देख लेते हैं कि वॉट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द क्या कैरेटल बॉडीज ठीक है तो क्या मीटर के से होगा या फिर प्रकाश वर्ष से होगा मील से होगा या फिर किलोमीटर से होगा तो बताइए अगर आकाशीय पिंडों की बात हो रही है यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा ठीक है सभी बता रहे हैं लाइट ईयर हो जाएगा ठीक है तो सभी को पता है लाइट ईयर के बारे में भी हमने बता दिया था कि लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है बहुत लंबी दूरी यानी कि प्रकाश की एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है हम उसे लाइट ईयर या फिर किस नाम से जानते हैं प्रकाश वर्ष के नाम से जानते जानते हैं ठीक है किस नाम से जानते हैं प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? फिर ये देख लीजिए इसमें आपका पूरा लगा हुआ है ठीक है कि अगर बात करते हैं इसमें हम ठीक है तो किलोमीटर एक किलोमीटर बराबर हमारा कितना होता है एक हज़ार मीटर ठीक है दो मील बराबर हमारा कितना होता है वन पॉइंट सिक्स करके होता है ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है जरा कमेंट करके बताइए तो ठीक है अगर नाविक मील्स की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा एट ठीक है खगोलीय इकाई और यहाँ वर्ष पूछा गया तो प्रकाश वर्ष आपको पता है कितना होता है नाइन पॉइंट फोर टू दी पावर फिफ्टीन मीटर होता है ठीक है कितना होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स टू दी पावर हमारा कितना होता है 15 होता है ठीक है और खगोली इकाई भी याद रखिएगा खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है टू दी पावर इलेवन मीटर होता है ठीक है तो फिलहाल इसमें अभी जो आपको याद रखने वाला है एक प्रकाश वर्ष हो सकता है एक खगोलीय और एक किलोमीटर तो सभी को पता होगा एक पार्सल बराबर भी आप देख सकते हैं ठीक है तो इमें नहीं दिख रही है मैम है ना आम नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है चलिए कोई बात नहीं अगर प्रकाश वर्ष की बात करते तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्ष आपका कितना होता है नाइन पॉइंट इंटू टेन टू हमारा कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है कितना फिफ्टीन मीटर हो जाएगा ठीक है ये याद रखिएगा कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा ठीक है अगर खगोलीय इकाई की बात करेंगे तो वन पॉइंट फोर नाइन फाइव इंटू टेन टू दी पावर इलेवन हो जाएगा कितना हो जाएगा इलेवन हो जाएगा ठीक है तो क्लियर हुआ अभी आपको सबको दिख रहा है ठीक है मैंने लिख दिया है अगर यही दो मतलब मेन पॉइंट है इसमें आपको याद रखना है ठीक है अगर बहुत ज़्यादा पार्सल बराबर भी देखना है तो अगर हम पार्सल बराबर कितना हो जाएगा टेन टू द्री पॉइंट जीरो एट इंटू टेन टू दी पावर सिक्सटीन मीटर हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा सिक्सटीन मीटर हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ अभी आप सभी लोगों को ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब आ गया है विभांतर आई आर यानी कि वी की बात हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है वी की बात हो रही है तो यानी कि वी आई आर निम्नलिखित में से किस नियम का सूत्र है यानी कि वी इज इक्वल टू आई आर यानी कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या दिया है ठीक है का फॉर्मूला जो है किस किसके लॉ को करता है किरचॉफ का धारा नियम का या फिर किड़चौप का वोल्टेज नियम का या फिर ओम का नियम का या फिर हम इसमें क्या कहेंगे इनमें से कोई नहीं यानी कि वीव इज इक्वल टू आई आर निम्नलिखित में से किसका फॉर्मूला है ठीक है ओम का नियम है आकाश जी बता रहे हैं ठीक है, है? एल जी बता रहे हैं ओम ठीक है तो सभी मतलब काफ़ी होशियार है मैं ये तो देख रही हूँ कि भाई बच्चे बहुत होशियार हैं ठीक है तो चलिए इसीलिए मैं रिपीटेड सारे क्वेश्चन लेके आई थी ताकि कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो आज आपका अच्छे से रिविजन हो जाए ठीक है तो ओम का नियम हमारा ये होता है अगर ओम के नियम की बात कर ली जाए तो ओम का नियम हमारा क्या होता है सबसे पहले ये देखिएगा v जो होता है किसके समानुपाती होता है हमारा i के बराबर होता है ठीक है और अगर इसी को हम क्या कर देंगे कि वी इजल टू हम यहाँ पर अगर लाएंगे तो i r हो जाएगा r हमारा क्या हो जाएगा यहां पर प्रतिरोध हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा हमारा प्रतिरोध हो जाएगा और हमारा ओम का नियम क्या कहता है कि विभांतर यानी कि हम किसकी बात करें अगर विभांतर वी जो होता है का मान जो होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है समानुपाती होता है ठीक है क्या होता है विद्युत धारा के अगर पूछा जाए किसके समानुपाती होता है तो विद्युत धारा के समानुपाती होता है ठीक है किसके विद्युत धारा यानी कि हमारा आई के समानुपाती होता है ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओम का नियम क्या होता है तो ओम आप बता सकते हैं कि विभान्तर यानी वी विद्युत धारा आई एक दूसरे के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं ठीक है क्या होते हैं समानुपाती होते हैं ठीक है कोई दुश्मन जी को याद कर रहा है ठीक है भाई जमाना तो दुश्मन आज आए नहीं है ठीक है तो चलिए क्लियर हुआ अगर कोई पूछता है कि अगर वी बराबर आई आर क्या है तो वी बराबर आई आर क्या है हमारा ओम का नियम है किसका नियम है ओम का नियम है ठीक है और जो कि किसका विभांतर और हमारा क्या विद्युत धारा के क्या होता है समानुपाती होता है ठीक है और जब समानुपाती यानी कि समानुपातीजिकल टू में आएगा तो वी इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा जल्दी बताइए किसी तरीके से आए हैं दुश्मन जी अच्छा कौन है भाई कौन आया है दुश्मन जी तो अभी तो अभी मुझे अच्छा आए हैं ठीक है चलिए आ चुके हैं जमाना तो है दुश्मन जी भी आ चुके हैं ठीक है तो जल्दी बताइए कि ओम के नियम में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना आं चाहिए क्या आग, आगे बढ़ा जाए ठीक है ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताइए ठीक है तो अगर बी बराबर आई आर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा विभांतर और विद्युत धारा के समानुपाति हो जाएगा ठीक है फिर एक विभांतर अब यहाँ पर बात हो रही है एक विभांतर वी ठीक है आवेश जो है हमारा क्यू को स्थानांतरित करने के लिए का, कार किए गए कार्य का जो समीकरण होगा वो क्या होगा यानी कि क्या पूछ रहा है कि एक विभांतर बी के साथ आवेश क्यू को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य का जो समीकरण है वो क्या होगा डब्लू बराबर क्यू वी होगा या क्यू बराबर डब्ल्यू वी होगा या वीज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा ठीक है तो इसमें सभी लोग बता रहे हैं कि सी होगा ठीक है तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ठीक है तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारा क्या हो जाएगा वी इजल टू डब्ल्यू क्यू हो जाएगा अब डब्ल्यू क्यू क्यों हो जाएगा भाई इसके लिए भी चलिए देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि जो है हमारा ये क्या होगा V इक्वल टू डब्लू क्यू हो जाएगा क्यों क्योंकि जो विभांतर है और जो है आवेश के साथ स्थानांतरित कार्य का अगर समीकरण बनेगा तो हमारा W इक्वल टू क्या वी इक्वल टू क्या होगा W अपॉन क्यू होगा ठीक है चलिए फिर है कि भौतिकी में कार्य करने की क्षमता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा कराया हुआ है कि भौतिकी में है कार्य करने की क्षमता को पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है कार्य करने की क्षमता को ठीक है याद करिएगा कि कार्य करने की दर नहीं पूछ रहा है कार्य करने की क्षमता को पूछ रहा है तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कार्य ही बोलेंगे ठीक है या फिर बल बोलेंगे या फिर ऊर्जा बोलेंगे या फिर आ, पावर यानी कि यहाँ पर शक्ति होना चाहिए था ठीक है इंग्लिश में देखिएगा यहाँ पर मिसप्रिंट है ये ठीक है वर्क होगा पावर होगा एनर्जी होगा या फिर फोर्स होगा यानी कि यहाँ पर हम हिंदी में लिख सकते हैं कि क्या शक्ति होगा या फिर बल होगा या फिर हमारा ऊर्जा होगा जल्दी से बताइए कि क्या होगा ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया हुआ है ठीक है ऊर्जा होगा सभी बोल रहे यानी कि वेरी गुड सभी को आंसर पता है ठीक है यानी सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ठीक है तो अगर बात करेंगे कि भौतिकी में कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं ऊर्जा में और अगर पूछा जाएगा कि कार्य करने की दर क्या होती है तो कार्य करने की दर क्या होगी हमेशा याद रखिएगा वो होगी हमारी शक्ति होगी ठीक है क्या होगा शक्ति होगी और वहीं पूछा जाएगा कि कार्य करने की क्षमता हमारी तो क्षमता हमें कब होगी होगी जब हमारे पास क्या एनर्जी या फिर पावर होगी सॉरी वो होगी हाँ ऊर्जा होगी यानी कि एनर्जी होगी अगर दर की बात करी जाएगी कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है तो वो हमारी पावर या फिर शक्ति कहलाती है ठीक है पावर या फिर शक्ति कहलाती है ठीक है क्लियर हुआ फिर है कि निम्न सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य मतलब कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है तो आ... बताइएगा कि आवोगाद्रो का जो अवधारणा है उन पे करता है या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर करता है या फिर संवेक संरक्षण के नियम पे करता है या फिर आ, हमारा बर्नोली सिद्धांत पर करता है तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि रॉकेट अगर रॉकेट जब उड़ता है ठीक है तो पहले बताइए कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो रॉकेट है वो न्यूटन की यानी कि हमारा किस गति का पालन कर रहा था न्यूटन न्यूटन की किस गति का जो हमारा नियम था वो इस पर लगेगा जल्दी बताइए ठीक है कि हमने कल आपको बताया था कि क्रिया रॉकेट का जो रॉकेट उड़ना है उसमें जो न्यूटन की गति का कौन सा नियम लगेगा ठीक है तो आप बात करते हैं कि रॉकेट जो है हमारा कार्य करता है किस पे संवेक संरक्षण पे ठीक है और संवेक संरक्षण का जो हमारा नियम होता है ठीक है हमेशा याद रखिएगा पीकल टू क्या होगा एम वी होगा ठीक है फिजिकल टू हमेशा क्या होगा हमारा एम वी होगा यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है मोमेंटम की बात हो रही है, है यानी कि मोमेंटम की जो है वो हमारा हाँ थर्ड लॉ का वेरी गुड सभी लोग जमाना तो है दुश्मन देखिए कल क्लास लगता है बाद में देख लिए हैं ठीक है थीके? तो चलिए सभी बता रहे हैं एकदम सही आंसर की जो है इसका तीसरा नियम का पालन करता है और अगर संवेक संरक्षण की बात करें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा ठीक है याद रखिएगा जब तक किसी तरीके का हमारा बाह्य बल नहीं लगता है तो हमारा जो मोमेंटम या फिर जो संवेग होगा वो हमेशा कैसा रहेगा सुरक्षित रहेगा ठीक है क्या रहेगा हमेशा सुरक्षित रहेगा याद रखिएगा क्या रहता है सुरक्षित रहता है ठीक है तो अगर कोई पूछता है कि संवेक संरक्षण का नियम क्या है तो संवेक संरक्षण का नियम आप बता सकते हैं फॉर्मूला में पी इज इक्वल टू एम इन टू वी और पी और संवेक संरक्षण का नियम क्या होता है ये होता है बाह्य बल तब तक बाह्य बल ना लगने पर या फिर जब तक अगर नहीं लगाया जाएगा तो संवेग हमारा क्या रहेगा हमेशा सुरक्षित रहेगा ठीक है क्या रहेगा हमेशा सुरक्षित रहेगा ठीक है तो जल्दी से बताइए आप रॉकेट को देख भी रहे हैं ठीक है कि जो है इसमें रॉकेट में जो क्रिया प्रतिक्रिया का बल लग रहा है ठीक है यानी कि हमने अगर नीचे से उसमें फायर या कुछ भी ऐसा किया तो क्या होगा क्रिया के रूप में हमने देखा कि रॉकेट जो है वो हमारा ऊपर जा रहा है ठीक है यानी कि जो रॉकेट है अच्छा फोन की बात कर ली जाए तो आप लोगों को ब्लैक कलर का फोन जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है स्क्रीन या फिर जो डेली हम लोग व्हाइट कलर की पढ़ते थे वो आज मैं संडे था तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ अलग सा हो जाए तो जल्दी बताइए कि आपको वाइट और रेड वाला जो कॉम्बिनेशन था वो अच्छा लग रहा था या फिर आज भारतीय रेल का हैप्पी बर्थडे है मैम जी अच्छा कल आपका था और आज ब्लैक अच्छा ठीक है सो मोहित जी बोल रहे हैं ब्लैक बेस्ट है सोनिया जी वाइट बोल रही है सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो कल की हमारी जो डेली क्लास चलेगी उसमें कैसा हो ब्लैक या फिर व्हाइट देखते हैं कि सभी लोग क्या बताते हैं ठीक है आज थोड़ा सा नया नया क्लास में पहला दिन है तो सबको अटपटा लग रहा होगा नो no डाउट पर आज संडे था और रिपीटेड क्वेश्चन की बात थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्पेशल हो जाए ठीक है तो चलिए फिर रॉकेट क्या बात अगर करी जाएगी तो क्या होगा संवेक संरक्षण का नियम हो जाएगा ठीक है वाइट बोल रहे हैं वाइट सही है मैम आप ठीक है चलिए बेस्ट है ठीक है कोई भी पढ़ने से मतलब है हाँ ए एल पी जी एकदम सीरियस तरीके से पढ़ने से ही मतलब है जो सबसे सही बात बोल दी उन्होंने ठीक है तो ब्लैक वाइट सभी लोगों को कन्फ्यूजन है चलिए ठीक है अच्छा चलिए क्वेश्चन पे आते हैं किसी पिंड का भार अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है किसी पिंड का भार, भार यानी कि वेट ऑफ बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा सब जगह समान होगा यानी कि इक्वल इन एन एनी प्लेस ऑफ अर्थ होगा ऑन अर्थ होगा ठीक है या फिर ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा यानी कि मैक्सिमम एट पोल्स होगा या फिर विश्वतरे रेखा पर अधिक होगा यानी कि मैक्सिमम इन इक्वेटर ठीक है विश्वत रेखा आप लोगों को पता ही है विश्वत रेखा की बात करी जाए तो अगर ये हमारी पृथ्वी है और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है यानी कि जीरो डिग्री की बात करी जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेटर या फिर क्या बोलेंगे विश्वत रेखा बोलेंगे ठीक है कौन सी रेखा बोलेंगे विश्वत रेखा ठीक है तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप लोग सोच में पड़ जाए कि विश्व रेखा क्या होती है तो रेखा वो रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है यानी कि इक्वेटर ठीक है तो विश्वत रेखा पर अधिक होगा या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में अधिक होगा यानी कि मोर एट द माउंटेन एज कंपेयर टू प्लेन ठीक है तो सभी बोल रहे हैं कि ध्रुवों पर अधिक होगा ठीक है तो अगर इसकी बात करी जाए किसी पिंड का बाहर है जो वो ध्रुवों पर अधिक होगा ठीक है क्यों ध्रुवों पर क्यों अधिक होगा क्योंकि ध्रुवों पर ही हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है मैग्नेटिक यानी कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहाँ पर सर्वाधिक होता है सभी बी बता रहे हैं ठीक है मोहित उज्जवल जी बोल रहे हैं पृथ्वी तल पर हर जगह समान होगा नहीं पृथ्वी तल पर हर जगह समान नहीं होगा जो हमारा किसी पिंड का भार है वो हमारा ध्रुवों पर ही सर्वाधिक होगा आम्रपाली जी ने भी एकदम सही आंसर दिया है ठीक है तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर हमारा सर्वाधिक होगा अब समय मापक विज्ञान को हम क्या कहते हैं यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो समय यानी कि साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम इज क्या होगा हमारा हेरोलॉजी होगा या फिर कॉस्मो लोजी होगा या फिर क्या होगा टोमोग्राफी होगा या फिर हाइड्रोलॉजी होगा तो किसी को पता है कि इसमें हमारा क्या होगा समय मापक विज्ञान की बात करी जाए ठीक है तो समय मापक विज्ञान जो है सभी सी बता रहे हैं ठीक है टोमोग्राफी होगा ठीक है तो यानी सही कोई नहीं बता रहा कुल मिला अगर देख लिया जाए ठीक है बी सी बी और सी में नहीं है चलिए मैं ये भी बता देती हूँ बाबूलाल जी भी आ चुके हैं पंकज कुमार भी चलिए बी और सी नहीं है ठीक है बी और सी नहीं होने वाला है इसलिए कोई कन्फ्यूज़न ठीक है सोनिया जी ने बता दिया है कि ए होगा ठीक है तो वेरी गुड अगर समय मापक की बात करेंगे तो हम क्या होगा हमारा हेरोलॉजी होगा ठीक है हॉरोलॉजी जो है हमारा समय मापक विज्ञान की बात करी जाए तो हमारा क्या होगा हॉरोलॉजी होगा कॉस्मोलॉजी क्या होता है कॉस्मोलॉजी वो होता है हमारा जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो आ, क्या बोल रहे हैं ट्रेस जी मैम पिंड का जो भार है सेंट्रल में केंद्रित होता है हाँ सेंट्रल में इसलिए केंद्रित होता है क्योंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो सेंट्रल में सबसे अधिक होता है ठीक है क्या होता है सबसे अधिक होता है ठीक है इसलिए वहाँ पर जो है हमें लोहा की यानी कि जो पृथ्वी के अंदर अगर बात करी जाए तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होगा ध्रुवों पर होता है ठीक है ध्रुवों पर इस वजह से ठीक है तो समय मापक विज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे हम लोग हॉरोलॉजी बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे हॉरोलॉजी बोलेंगे ठीक है फिर चलिए अब समतल दर्पण की बात हो रही कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि समतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो हमेशा हमारा सही कथन होगा ठीक है समतल दर्पण की बात हो रही छवि जो है हमेशा आभासी होगी ठीक है अगर आभासी की बात करें तो इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी वर्टुलर होगी ठीक है ये देखिएगा व्हाइट में अगर दिख रहा हो ठीक है फिर क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी वस्तु और दर्पण के बीच दूरी में समान होती है ठीक है छवि पार्श्व रूप से क्या होती है हमारी उल्टी होती है ठीक है क्या होती है उल्टी होती है तो अब बताइए कि अगर इसमें से हम बात करें तो इसका कौन सा सही होगा केवल एक और दो सही होगा केवल एक और तीन होगा या फिर दो और तीन होंगे या फिर एक दो तीन या फिर तीनों ही सही होंगे तो अगर समतल दर्पण की बात करें यानी कि प्लेन मिरर की बात हो रही है ठीक है तो प्लेन मिरर की अगर बात करेंगे तो उसमें याद रखिएगा जो पिंड यानी कि जो छवि है वो कैसी होगी हमेशा आभासी होगी ठीक है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु और दर्पण के बीच में कैसी होगी समान होगी समान और छवि पार्श्व रूप से उल्टी बनती है है तो तो ये तो एकदम मेन विशेषता कि जो दर्पण में होगी वो हमेशा जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी हमेशा उल्टी बनेगी ठीक है तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे कौन से तीनों के तीनों सही हो जाएंगे ठीक है तीनों के तीनों जो है सही हो जाएंगे ठीक है तो क्वेश्चन बताइए आज क्वेश्चन की जो संख्या है वो तीस नहीं है बल्कि सिक्सटी है ठीक है तो सभी लोग जुड़े रहिएगा और पूरा रिपीटेड एनसीईआरटी से बेस्ड है पूरे क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ रेलवेज में पूछे गए हैं ठीक है थीके? तो वही क्वेश्चन है इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा ठीक है क्या एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करिएगा ठीक है तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण से अगर कथन सही कथन की बात करी जाए तो आभासी होगी और दूरी जो होगी वो समान होगी और प्रतिबिंब जो होगी वो क्या होगा हमेशा उल्टा बनेगा ठीक है और ये देखिए इस तरीके का अगर प्लेन मिरर की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का देखते हैं तो अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ठीक है इमेज में कोई दिक्कत नहीं होगी इमेज से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा ठीक है कि प्लेन मिरर में क्या होगा जो होगा लेटर है वो हम देख रहे हैं कि जो हमारे लेटर हैं वो कैसे हो गए हैं पलट गए हैं ठीक है क्या है पूरी तरीके से देखिए लेटर पलट गए हैं ठीक है ये देखिए इस तरीके का कुछ दिखता है फिजिक्स देखिए फिजिक्स लिखा हुआ है पर वो कैसे दिख रहा है ठीक है चलिए क्लियर हुआ है यानी आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछ रहा है कि ध्वनि की गति में वृद्धि होती है जब वृद्धि होती है किसमें तापमान में वृद्धि होती है तब या फिर नमी में नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प का चयन करना है ठीक है कि द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज इन वेन देयर इज़ द इन इंक्रीज इन द क्या टेम्परेचर अगर टेम्परेचर होगा या फिर नमी तो ध्वनि की जो वृद्धि होती है वो दोनों में ही होती है याद रखिएगा ध्वनि में अगर वृद्धि होगी जब अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो हमें ध्वनि में भी वृद्धि दिखेगी और अगर नमी में भी हम क्या कहते हैं ध्वनि की गति देखेंगे तो उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी ठीक है तो इसमें क्या होगा हमारा बोथ होगा ठीक है दोनों क्या होगा एक और दो होगा ठीक है तो क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है या फिर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप लोगों के कवर करें ठीक है तो याद रखिएगा कि जो ध्वनि की जो गति है वो तापमान में भी बढ़ेगी ठीक है और हमें नमी में भी बढ़ती हुई दिखेगी चलिए अब ये देखिए जब तापमान के साथ नमी में भी वृद्धि होने पर ध्वनि की जो गति होती है वो कैसी होती है हमेशा बढ़ जाती है ठीक है क्या होती है हमेशा जो ध्वनि की गति होती है वो बढ़ जाती है और तापमान में प्रत्येक वृद्धि के लिए ध्वनि की गति जो होती है कितनी होती है जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर से सेकेंड से बढ़ जाती है ठीक है अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पीड को जो अगर मटेरियल की बात करी जाए तो रबड़ में हमारा कितना होता है सिक्सटीन मीटर प्रति सेकेंड होता है ठीक है अगर गोल्ड की बात कर ली जाए यहाँ पर गोल्ड है ग्लास है कॉपर है और क्या है हमारा एल्यूमिनियम है ठीक है कितना है एल्युमिनियम है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मेटल पे कितना स्पीड ऑफ़ साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है और सारे जो हैं कैसे रबड़ में हमें सबसे कम मिलेगी ठीक है ये आप देख सकते हैं और एल्यूमिनियम में है हमको सबसे ज़्यादा यानी कि जो मेटल है उसमें कहीं कहीं ना ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी ठीक है एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा उससे कम कॉपर में फिर ग्लास में और फिर गोल्ड में ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटी है ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी इकाई है जो कि लंबाई की दृष्टि में सबसे छोटी है यानी कि सबसे छोटी की अगर माइक्रोन की बात करें नैनोमीटर फर्मी या फिर एंग स्ट्रॉन्ग की ठीक है तो जल्दी से बताइए हाँ ठीक है फास्ट ही हो रहा है ठीक है तो अगर इकाई की बात करी जाए तो ये क्या होगा फर्मी होगा ठीक है जमाना तो है दुश्मन बता रहे हैं माइक्रॉन होगा ठीक है तो चलिए अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होगा लंबाई की अगर बात करें तो सबसे छोटी जो है वो हमारी फर्मी होती क्यों क्योंकि ये कितना होता है, uh, है याद रखिएगा अगर, अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना है एक माइक्रॉन बराबर टेन टू दावर माइनस सिक्स होगा एक नैनोमीटर टेन टू दी पावर नाइन मीटर होगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर टेन टू दावर माइनस टेन होगा एक फर्मी बराबर आप देख रहे हैं टेन टू दाइनस फिफ्टीन मीटर होगा ठीक है जयसवाल जी भी आ चुके हैं आयुषी मैम प्रणाम आपको भी जयसवाल जी बहुत बहुत प्रणाम ठीक है क्वेश्चन देखते जाइए आज सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड आपके ए से ही हैं तो ठीक है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते जाइए तो चलिए क्लियर हुआ कि एक माइक्रॉन बराबर कितना होता है एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है और एक फर्मी बराबर कितना होता है ठीक है निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग लंबाई मापने में नहीं किया जाता है यानी कि किसका एक है जो कि लंबाई मापने में हमारा पूछ रहा है कि नहीं किया जाता है यानी कि ऐसा कौन सा है इनमें से

क्या है बाकी ये तीनों जो है वो हमारी क्या है दूरी मापने की इकाई है क्या है दूरी मापने की इकाई है ठीक है क्लियर हुआ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को पूछा जाए कि नहीं है ठीक है तो वो हमारी क्या हो जाएगी हमारी स्लग नहीं होगी बाकी अगर तीनों की बात करी जाए तो ये लंबाई या फिर दूरी देखते हैं अब चलिए क्वेश्चन आ गया कि एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स जूल होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री जूल या फिर थ्री पॉइंट यानी टेन टू दी पावर माइनस थ्री होता है यानी कि टेन टू दी पावर या फिर फाइव जूल होता है ठीक है हाँ, सभी लोग आंसर दीजिएगा कि एक किलो वाट घंटा बराबर क्या इसका जो मान होता है वो क्या होता है थ्री पॉइंट हमने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बार कराया है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स होगा ठीक है शैलेश कुमार जी ने भी आंसर दिया है ठीक है सभी आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी ठीक है वेरी गुड ठीक है हाँ चलिए ठीक है चलिए फिर चलिए अगर बात करते हैं विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है सभी को बताना है ये क्वेश्चन भी सभी को मैंने करवाया है जब मात्रक वाला क्वेश्चन पढ़ाया था कि विद्युत धारा जो है किस उप मेजरमेंट में आया था ये क्वेश्चन उपकरण से नापी जाती वोल्ट मीटर आ मीटर या फिर वोल्टा मीटर ठीक है थोड़ा टा है और यहाँ बड़ा छोटा टा है ठीक है या फिर हमारा क्या है आ, पोटेशियो ठीक है क्या होगा पोटेशियो ठीक है तो सभी का आंसर आना चाहिए आज फटाफट रिविजन करते जाइए कि अगर विद्युत धारा की बात करी जाएगी तो हमेशा हमें किससे

तो जरा बताइए कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा तो सभी बोल रहे हैं कि बी होगा ठीक है या फिर बी में सभी कुछ लोगों ने ए भी बोला था ठीक है अभी स्टार्टिंग में देख रही थी तो ये एकदम सही है अगर हाइग्रोमीटर यानी कि अगर आर्द्रता की बात होती किसकी बात होती है अगर आर्द्रता की बात होगी तो याद रखिएगा हमेशा ह्यूमिडिटी की अगर हवा में आद्रता की बात होती तो हाइग्रोमीटर अगर हाइड्रोमीटर की बात कर ली जाए तो ये क्या होगा हमारा किसी लिक्विड का जो घनत्व होता है ठीक है लिक्विड का जो हमारा क्या होता है किसी लिक्विड या फिर किसी तरल पदार्थ में जब घनत्व की बात आएगी तब हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोमीटर ठीक है क्या होगा हाइड्रोमीटर किसी लिक्विड में बी को भी अच्छे हाँ ठीक है चलिए तो अगर क्या होगा कि अगर घनत्व की बात होती है ठीक तो है तो घनत्व हमारा हमेशा याद रखिए हाइड्रोमीटर होगा और हाइग्रोमीटर होगा तो हाइग्रोमीटर हमेशा हमारा क्या नापेगा आर्द्रता को ही नापेगा ठीक है तो हाइड्रो और हाइग्रो में किसी तरीके का कंफ्यूजन मत होइएगा कि गा और ड्रो में क्या अंतर होगा ठीक है चलिए अब ये फिगर भी देख लीजिए कि हाइग्रोमीटर इस तरीके से कुछ दिखता है ठीक है हाँ एकदम सही प्लानिंग से चल रहे हैं ज़माना तो है दुश्मन बता रहे हैं कि मैं इसलिए सही नहीं करता हूँ ठीक है तो चलिए ये है हमारा ह्यूमिडिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है यानी कि हाइग्रो हाँ, मीटर ठीक है फिर है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए ठीक है यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि कार्बन डाई आ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए एक यौगिक के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन किसमें किसमें मिलती है यानी कि हमारी किसमें मिलती है अगर बात करें तो क्या हमारी संयोजन प्रतिक्रिया में मिलती है यानी अपघटन प्रक्रिया में मिलती है या फिर दहन प्रक्रिया में या फिर यानी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सभी बोल रहे हैं कि सी होगा चलिए ठीक है तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए यौगिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन मिलती है तो इसका जो आंसर होगा हमारा नाइनटीन का वो हमेशा याद रखिएगा कैसा होगा दहन यानी कि कैसी प्रक्रिया से प्रक्रिया से होगा दहन प्रक्रिया से होगा ठीक है किस प्रक्रिया से होगा हमारा ये दहन प्रक्रिया से ही हमारा होगा ठीक हाँ, है हाँ सभी बोल रहे हैं सी होगा ठीक है ठीक है सब मतलब बहुत होशियार बच्चे हैं भाई इसमें तो कोई नो डाउट कि ये सब आप सभी चलिए आप देख लेते हैं रिएक्शंस के बारे में कि संयोजन प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलके कैसे दो या दो से अधिक यौगिक मिलेंगे ठीक है कैसे यौगिक मिलेंगे हाँ ठीक है दो या दो से अधिक यौगिक यानी कि कुछ इस तरीके की जब रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी कि ए प्लस बी और क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है तो वो कैसी होगी संयोजन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा कि यहाँ पर हमने देखा कि एक हमारा ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर क्या ए बी बना लिया ठीक है यानी कि संयोजन यानी कि यौगिक जो है वो हमारे मिल एक पर्टिकुलर यौगिक को बना लेते अब घटन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब विपरीत जो अड़ु होंगे वो सरल अड़ुओं में टूट जाएंगे क्या होंगे विपरीत जो अड़ु होंगे

और क्या बनता है पानी बनता है ठीक है दहन प्रक्रिया में क्या होगा तो दहन प्रक्रिया में एक एसिड और हमारा क्या बनेगा एक एसिड बन जाएगा और एक डे एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके हमेशा क्या आम तौर पर इसका उत्पाद यानी कि नमक और पानी का ही उत्पाद करेंगे ठीक है तो क्लियर हुआ किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन एक बार स्क्रीन में पूरी तरीके से इस रिएक्शन को देख लीजिए कि इसका जो है कैसे कैसे ये इसका प्रोसेस होता है ठीक है फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए इसमें क्रिया में संयोजन या फिर अपघटन या फिर निराकरण और दहन में कैसे कैसे काम होता है किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन अभी तक ठीक है इस तरीके में रिएक्शन आप लोग देख लीजिए रिएक्शन से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ठीक है चलिए फिर ओके ठीक है सभी लोग फिर भाई देखिए गैस सिलेंडर की बात आ गई है अब यहाँ पर तो अब बात करते हैं कि रसोई गैस में मुख्यतः क्या शामिल होता है ठीक है रसोई गैस की बात हो रही है कि यानी कि एलपीजी जो गैस होती है जिसे हम कुकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं ठीक है ठीके? तो एलपीजी का जरा फुल फॉर्म बताइए कि, कि किसको पता है ठीक है एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए तो अगर इसमें क्या होता है एलपीजी में हमारा इथेन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा हर एग्जाम में पूछा जाने वाला ठीक है प्रोपेन होगा या फिर प्रोपेन ब्यूटेन होगा या फिर क्या होगा एथाई इथाइलिन होगा ठीक है तो सी बोल रहे हैं यानी कि अगर रसोई गैस यानी कि

जरा इसको उसमें लिखिए ठीक है एल का पूरा फुल फॉर्म के रूप में ठीक है तो अगर सही बताया है वैसे तो ठीक है कंप्रेस्ड गैस होती है ठीक है तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि अगर रसोई गैस की बात करी जाए तो इसमें क्या होगा प्रोपेन और ब्यूटेन होगा ठीक है हरिशंकर जी बोल रहे हैं मैम नाम बोल हाँ आपका भी नाम बोलेंगे आप हरिशंकर जी क्लास में नए हैं मुझे लगता है ठीक है अभी अभी आए हुए हैं तो हरिशंकर जी का भी भाई क्लास में सभी लोग स्वागत करिए ठीक है थीके? जितने पुराने बच्चे हैं ठीक है सभी लोग स्वागत करिए कि हरिशंकर कुमार जी भी आ गए हैं क्लास में ठीक है पहला सेशन देख रहे हैं हरिशंकर जी तो आप जुड़े रहिएगा हम लोगों के साथ रेलवे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो है ए और रेलवे से ही रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है ठीक है तो आप प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ठीक है किस तरीके से कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ठीक है चलिए फिर है तीन से अधिक अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीन से अधिक ठीक है परमाणुओं के समूह आयन को किस रूप में जाना जाता है यानी कि तीन से अधिक अगर आवेशुक परमाणु की बात करी जाए तो किस रूप से अ ग्रुप ऑफ मोर देन 3 एटम की बात हो रही है कैरी अ चेंज इज नोन एज तो क्या होगा दो आ, डाई एटम होंगे मोनो एटम होंगे या फिर ट्राई एटम होंगे या फिर पॉली एटम होंगे तो सभी को इससे क्वेश्चन से, से ही अंदाजा लग रहा है कि तीन से अधिक परमाणुओं की बात हो रही है क्या है तीन से अधिक परमाणुओं की बात हो रही है वेरी गुड तो सभी बता रहे हैं कि जो है ये क्या होगा हमारा बहु परमाणु यानी कि पॉली एटम होगा ठीक है तो अगर क्वेश्चन नंबर इक्कीस की बात करी जाए तो जब कार्बन जब तीन से अधिक संख्या की कितने तीन से अधिक संख्या के परमाणु होंगे तो वो क्या हो जाएंगे हमेशा याद रखिएगा हमारे पॉली में हो जाएंगे ठीक है पॉली में हो जाएंगे और इसमें अगर किसकी बात करें तो जैसे कार्बोनेट आयन होते हैं ठीक है ऐसे ऐसे अगर बात कर लेते हैं में तो हमारे क्या होंगे कार्बोनेट आयन ऐसे जो होते हैं जिनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है तीन से अधिक होती है ठीक है और सीओ सीओ हो गया ठीक है क्या हो गया सीओ हो गया तो ये जो हमारे अगर परमाणुओं की बात करी जाए कि तीन से अधिक हम इसमें देखते हैं ठीक है चलिए सोनिया जी भी चलिए सिर्फ मैंने बताया मैम हाँ भाई जवाना तो है दुश्मन ने भी बताया गोपाल मौर्य जी भी आज मुझे क्लास में नए दिख रहे हैं ठीक है तो सभी लोग बहुत अच्छे से क्लास में जुड़ चुके हैं ठीक है थीके? तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा आज एक भी क्वेश्चन किसी को भी मिस नहीं करना है ठीक है और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी है वो अधिक है ठीक है फिर है कि निम्नलिखित में से इथेनॉल का उपयोग किस में होता है ठीक है बात हो रही किसकी इथेनॉल की कि विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज इथेनॉल ठीक है इनमें से ऑल यानी कि ऑल क्या विनिर्माण पेंट में ठीक है या फिर एल्कोहल एल्कोहलिक युद्ध युक्त पे में सॉरी युक्त बोलना था ठीक है एल्कोहल युक्त पे में या फिर कफ सिरप में ठीक है तो बताइए कि जो इथेनॉल का प्रयोग है तो क्या किसमें किसमें करते हैं जल्दी से बताइए कि क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं पेंट में या फिर इन एल्कोहलिक में या फिर कफ सिरप में तो जल्दी क्वेश्चन नंबर बाईस का है वो हमारा क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि ऑल ऑफ ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पर सही है इथेनॉल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं पेंट में भी करते हैं एल्कोहल में भी करते हैं और कफ सिरप में भी करते हैं ठीक है तो अगर बात करी जाए तो इसका जो फॉर्मूला है वो सी टू एस सिक्स क्या होगा और ओ टू होगा ठीक है क्या होगा अगर बात करते हैं इथेनॉल की तो इथेनॉल का हमारा सी टू एस सिक्स ओ थ्री इथेनॉल का फॉर्मूला होगा ये कैसी गैस है ये याद रखिएगा कि ज्वलनशील है ठीक है तभी जो आपने देखा होगा कि कभी शराब वगैरह होती है उसमें आग भी लग जाती है ठीक है कभी करिएगा नहीं ऐसा ठीक है सिर्फ बता रहे हैं कि अगर जो ड्रिंक यानी कि ऐसे जो ड्रिंक यानी कि पेय पदार्थ होते हैं एल्कोहल वगैरह या फिर शराब वगैरह उनमें क्या होती है कि आप अगर कभी जलाएंगे तो वो उसमें जलन होती है ठीक है और कैसी रंगहीन गैस होती है ठीक है यानी कि कलरलेस ठीक है यानी कैसी गैस होती है कलरलेस हमारी गैस होती है ठीक है कलरलेस होती है ठीक है तो इथेनॉल का आप लोगों ने क्लियर हुआ चलिए ठीक है इथेनॉल के उपयोग देख लीजिए कि हाथ सैनिटाइजर में इसीलिए कहते हैं कि जब सैनिटाइजर यूज करें तो उसको जब तक वो सूख ना जाए ठीक है फिर से आ रहा है हमारा कोविड इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हाथों को सैनिटाइज करें तो क्या हो आग से दूर रखें ठीक है कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए सुनने में न, सुने थे कि जब उसमें सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने आग का प्रयोग जैसा हो गया था कि आग वगैरह लग गई थी तो उनके हाथ जल गए थे है ना ठीक है हाँ जमाना तो है दुश्मन बोल बोला है रंगहीन देंगे CO2 देंगे मैम से बुझा हाँ वेरी गुड सही है बुझा दीजिएगा ठीक है तो देख लीजिए कि हाथ सैनिटाइजर और वाइप में करते हैं एल्कोहलिक लीक पे में भी करते हैं ठीक है थीके? उत्पादन में ईंधन के रूप में भी करते हैं वर्णिस और सेट में भी करते हैं कप सिरप या फिर अन्य दवा में भी करते हैं या फिर विनिर्माण में भी करते हैं ठीक है विनिर्माण किसके पेंट में ठीक है तो एक बार देख लीजिए अच्छा ठीक है लेना है लेना तो जल्दी से ले लीजिए जब स्क्रीन हो जाए तो बताइएगा ठीक है सौरभ जी भी आ चुके हैं ठीक है हेलो मैम जी बोल रहे हैं हेलो सौरभ जी ठीक है क्लास को सभी लोग ज्वाइन करते जाइए जल्दी जल्दी और आज एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा आप देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है कि धनात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है क्या धनात्मक सॉरी ऋणात्मक सॉरी याद रखिएगा निगेटिवली हमारा चार्ट जो आयन होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं क्या कैथोड के नाम से जानते हैं क्या फिर आयन के नाम से जानते हैं या फिर धनायन या फिर कैटन के, के, या फिर एनोट के नाम से जानते हैं ठीक है ठीके? तो इन्होंने एक ही जैसा कर दिया है तीनों का तो ये मत देखिएगा ठीक है इंग्लिश में हिंदी में देख लीजिएगा कैथोड या फिर ऋणा आयन या फिर धनायन या फिर एनोड तो सभी को पता है कि अगर ठीक है तो अगर बात करी जाए कि अगर ऋणात्मक की बात हो रही है तो ऐसे उनको क्या ही बोलेंगे ऋणात्मक है ना क्या बोलेंगे ऋणात्मक आयन ही बोलेंगे कैसे आयन बोलेंगे ऋणात्मक आयन बोलेंगे अगर ऋणात्मक आवेशित आयनों की बात हो रही है तो ए सिंपल सभी को पता है ठीक है कि हम उनको क्या बोलेंगे ऋणात्मक आयन बोलेंगे ठीक है जब क्वेश्चन ही में लिख दिया है कि ऋणावत ऋणात्मक आवेशित यानी कि निगेटिविटली चार्ज है तो ऐसे आयन को हम लोग क्या बोल देंगे निगेटिवली यानी कि ऋणायन ही बोल देंगे ठीक है अब देख लीजिए कि ऋणायन कैसे होते हैं ऋणायन ऐसे आवेशित आयन होते हैं जो कि विद्युत अपघटन के दौरान क्या करते हैं एनोड को आकर्षित करते हैं ठीक है एनोड मतलब एनोड आपने देखा होगा ठीक है यहाँ पर एनोड देख लीजिएगा ठीक है तो फिर धन आयन क्या होते हैं धन आयन एक आवेशित आयन है अर्थात एक जो अधिक विद्युत अपघटन यानी कि कैथोड को आकर्षित करते हैं ठीक है ठीके? और कैथोड क्या है एक कैथोड विद्युत अपघटन जिसमें अभी सही एक धारा या फिर विद्युत करण उपकरण छोड़ती है यानी कि एक कोई विद्युत उपकरण को छोड़ती है मैम जी योर नेम प्लीज सौरभ जी मेरा नाम आयुषी मिश्रा है ठीक है मैं जीके क्रेज पे आपको लाइव पांच बजे यूथ बुक का सॉल्यूशन अभी फिलहाल मैं करा रही हूँ ठीक है और फिर आगे क्या होगा कि हम इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराएंगे ठीक है भाई क्वालिटी बढ़ा क्या कह रहे हो ठीक है ए जरा फिर से बताइए ठीक है तो किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए ठीक है चलिए फिर फिर है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या की बात करी जाए तो लोहे की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है ठीक है तो अगर परमाणु संख्या की बात करी जाए तो परमाणु संख्या क्या होती है कि किसी भी, भी परमाणु क्रमांक में या फिर नाभिक में उपस्थित प्रोटोन की संख्या क्या प्रोटोन की जो संख्या होती है किसी भी परमाणु संख्या क्या होगी यानी कि किसी भी नाभिक में जो प्रोटोन की जो संख्या होगी किसकी संख्या याद करिएगा प्रोटोन की संख्या ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे उस संख्या का परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या बोलेंगे अगर लोहे की बात करी जाएगी तो लोहे की हमारी क्या होगी सिक्सटीन होगी ठीक है नाभिक में उपस्थित जो हमारी प्रोटॉन की संख्या होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे परमाणु क्रमांक या फिर कितने बजे से लाइव आते हैं हम आप हम आते हैं रोज पाँच बजे लाइव ठीक है कितना ओम जा, जाटव जी भी आ चुके हैं हम पाँच बजे लाइव आते हैं जी के क्रेज़ पे ठीक है सभी बच्चे यहाँ पर जो हैं बहुत सारे जमानत तो है दुश्मन जी हो गए मीना जी हो गए ठीक है सोनिया जी होगी सभी है ये सभी बच्चे आते हैं पाँच बजे तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कल शाम को पाँच बजे लाइव आइएगा ठीक है हमारा यूथ का बुक का सोल्यूशन चल रहा है आज संडे स्पेशल में हम लोगों ने आज जो जितने भी रेलवे के क्वेश्चन थे उनको हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं ठीक है चलिए फिर है कि एथेनोइड अम्ल का सामान्य यानी कि एथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम क्या है ठीक है तो क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है साइट्रिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है या फिर नाइट्रिक अम्ल है तो जल्दी से बताइए कि एथेनोइक अम्ल का जो है सामान्य नाम क्या है ठीक है ठीक है जल्दी बताते जाइए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो हमारा ये क्या होगा एसेटिक अम्ल होगा ठीक है क्या होगा एसेटिक अम्ल और एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई सभी को पता है सिरके में पाया जाता है ठीक है किस में पाया जाता है सिरके में अगर साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल हमारा किस में खट्टे फलों में पाया जाता है ठीक है खट्टे फलों में हम देखते हैं कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ठीक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सभी को पता है ये एक एसिड है ठीक है जिसको हम एस के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो क्वेश्चन क्लियर हुआ किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर ये क्वेश्चन है आप लोगों को कैसे लग रहा है क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है आज कैसी है क्वांटिटी तो खैर आज ज़्यादा है ठीक है अब पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का भौतिक गुण क्या है तो क्या ये गंधहीन गैस है या फिर दहन में दहन का समर्थन करता है या फिर गर्मी और बिजली को खराब कंडक्टर है यानी कि गर्मी और बिजली का या फिर ए और तीन दोनों तो यानी ट्वेंटी फोर सिक्स का जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा डी होगा ठीक है इसका एक और तीन जो है सही होगा ठीक है तो ए यानी कि ये कैसी ऑर्डरलेस यानी कि इसमें गंध नहीं आती है ठीक है और क्या होता है गर्मी और बिजली का खराब कंडक्टर है तो सभी को पता है कि गर्मी और बिजली ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होगा ठीक है क्या होगा ऑक्सीजन से इसका लेना देना नहीं होगा ठीक है दहन में समर्थ कैसे कर जाएगा भाई कौन बोल रहा है कि दहन में समर्थ हो जाएगा ठीक है दहन में हो जाएगा तब तो काम ही हो जाएगा ठीक है ऑक्सीजन तो हर जगह है ठीक है तो अगर ऑक्सीजन आप जल्दी से बताइए कि अगर हम O2 की बात करते हैं तो वायुमंडल में जो O2 का जो जो परसेंटेज है 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 वो कितना ठीक जल्दी बताइएगा कि वायुमंडल में का जो परसेंटेज है वो कितना है ठीक कि है, है चलिए तो हमने देख लिया है गंधहीन गैस है और गर्मी और बिजली में खराब कंडक्ट आणविक सूत्र क्या है ठीक है किसका बेंजोइक एसिड का पूछ रहा है तो अगर बेंजोइक एसिड की बात करी जाएगी तो क्वेश्चन नंबर सत्ताईस का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा हमने बताया कि हमारा बेंजोइक एक्सिड का जो है सी सिक्स सी सेवन एक्स सिक्स ओ टू होगा ठीक है तो याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं ठीक है थीके? अगर इसकी बात करी जाए तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से एक बार स्क्रीन में देख लीजिएगा ठीक है इसको अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हमारा पूछ रहा है अच्छा ये फार्मूला आ गया देखिए बेंजोइक एसिड का अगर किसी को स्क्रीन लेना हो तो ले सकता है बेंजोइक एसिड सिट्रिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल और सिरका अम्ल ठीक है तो ये सारे ही ऐसे हैं मैम जी अच्छा मेरी क्वालिफिकेशन आप अभी बताते हैं आपको बाद में ठीक है पहले क्वेश्चन देख लीजिए ठीक है आप ये बताइए कि आपको क्वेश्चन में किसी तरीके की तो दिक्कत नहीं आ रही है ठीक है सौरभ जी चलिए तो अगर बेनजोई कमल की बात करते हैं तो सारे लोग एक एक करके फॉर्मूला देख लीजिए कि ये क्या है ठीक है इनके एक सारे कुछ लिखे हुए हैं ठीक है चलिए फिर है ओजोन के बारे में पूछा यानी कि ओजोन गैस के बारे में ठीक है ओजोन परत मत सोचिएगा ठीक है क्या पूछा है ओजोन के बारे में कौन सा सही है ठीक है तो ये लाल रंग की गैस है ये मतलब कि रंग में लाल है ये एक गंदहीन है ये छोटी सांद्रता में हानि हानि रहित होती है या फिर ऊपर के सभी तो जल्दी बताइए कि इसमें अगर ओजोन की बात करी जाए तो ओजोन के लिए कौन सा सही होगा तो याद रखिएगा कि कौन सा सही है हमारा ये हमारी कैसी है सी ठीक है ये छोटी सांद्रता में हानि रहित गैस है ठीक है अगर रंग की बात करी जाए तो इसका जो रंग है वो नीला हरा होता है ठीक है कैसा लाल ना हो के कैसा होता है नीला हरा होता है ठीक है और ये हमारी गंदहीन गैस है ठीक है कैसी है गंदहीन गैस है और सा इसमें इसकी दिक्कत अगर ये पूछी जाएगी तो ये क्या होगा सांस लेने में असुविधा होती है हमें ठीक है अगर कोई पूछ ले ओजोन हारने पर क्या होगा तो हमारी सांस लेने में असुविधा होगी हमें ठीक है असुविधा होगी और क्या होगा हमें और हमारा सर दर्द होगा ठीक है क्या होगा हमारा सर दर्द होगा ठीक है क्या होगा होगा सर दर्द ठीक है तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन इसमें इस क्वेश्चन में? इस में आगे बढ़ा जाए रंग इसका जो है वो लाल नहीं होगा क्या होगा नीला और हरा होगा इसीलिए ये गलत हो गया ठीक है और गंधहीन नहीं ये गंधहीन गैस है ठीक है गंध इसमें आती है और इसकी होने इसकी उपस्थिति में सांस लेने में असुविधा और हमें सर दर्द देखने को मिलता है ठीक है चलिए देख लीजिए कि अगर आ, कोई जानलेवा खतरों से बचाने वाली ओजोन लेयर अच्छा ये ओजोन लेयर का यहाँ पर उन्होंने फिगर लगा दिया चलो कोई नहीं सभी ने मुझे बताया नहीं कि ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना होता है वायुमंडल में सभी लोग बताइए कि ऑक्सीजन का हाँ हाँ प्रॉमिस बता देंगे बाद में ठीक है तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज करी थी तो ये क्वेश्चन भी हमने आप सभी को बताया था ठीक है सभी का आंसर आ, हाँ आ जाना चाहिए इक्कीस इक्कीस ठीक है ठीक है सभी बता रहे हैं कि इक्कीस होगा वेरी गुड ठीक है और अगर नाइट्रोजन की बात कर ली जाए तो नाइट्रोजन का क्या होगा ठीक है चलिए तो अगर कोई बात करते हैं रेडियम की ठीक है तो रेडियम की खोज किसने करी थी अब देखिए क्यूरी जी का नाम कितना बड़ा लिख दिया है यहाँ पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर पढ़िए क्यूरी ठीक है या फिर आद्रे लुइस डारबेंड ठीक है और हमारा फजांस या फिर हमारा क्या हो जाएगा हेलमुनथ गोरिंग होगा ठीक है तो अगर रेडियम की बात करी जाएगी तो याद रखिएगा रेडियम की खोज हमारी किसने करी थी क्यूरी ने करी थी ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको पढ़ाया कि रेडियम की जो खोज है वो किसने करी थी क्यूरी ने हाँ मीना जी बता रहे हैं झूठ हाँ सेवेंटी एट नाइट्रोजन ठीक है वेरी गुड ठीक है तो ये है क्यूरी जी देख लीजिएगा और ऐसे और इनका ये फैक्ट भी याद रखने वाला है ठीक है ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी जो है ठीक है मैडम क्यूरी जो प्रथम महिला है जिन्होंने क्या किया है नोबल पुरस्कार जीता है ठीक है क्या जीता है प्रथम महिला है जिन्होंने हमारे नोबल पुरस्कार को जीता है ठीक है तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी की बात करी जाए तो कैसी होंगी प्रथम महिला होंगी जो हमारी जिन्होंने क्या जीता है नोबल पुरस्कार जीता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में फिर है कि कोयले का अब इसमें पूछ रहा है कि कोयले के उच्चतम ग्रेड जिसकी सतह पर कैसी होती है चमकीली होती है और क्या होती है ठीक है अभी क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं अभी आवाज आ रही है सभी को जल्दी से बताइए कि वॉइस क्लियर है आ गया ठीक है ठीक है सभी आ गया ठीक है तो अब बात करते हैं कि कोयले की बात हो रही है तो कोयले का वह उच्चतम ग्रेड जिसकी सतह चमकीली होती है और उच्चतम उम्मीय मान है यानी कि उसमें सबसे ज्यादा उसमें मान होता है तो क्या बिटूमियस होगा लिग्नाइट होगा एंथ्रेसाइड होगा या फिर पीट होगा ठीक है तो चारों प्रकार के कोयले अगर कोयले की बात करी जाए तो कोयले अगर हमें चार प्रकार के हमारे उसमें पाए जाते हैं बिटूमियस हो गया लिग्नाइट हो गया एंथ्रेसाइड हो गया और पीट जिसमें सबसे अच्छा जो होता है वो हमारा कौन सा होता है एंथ्रेसाइड होता है और सबसे अच्छा एंथ्रेसाइड होता है उसमें क्या होता है उसमें कोिले... उसमें कोयले कार्बन की मात्रा क्यों अच्छा होता है अगर कोई पूछ लेता है क्यों अच्छा होता है तो कार्बन की जो मात्रा है वो हमारी क्या होगी सबसे अधिक होगी ठीक है कार्बन की जो मात्रा है सबसे अधिक होगी तो वो सबसे अधिक तेजी तक चलेगा ठीक है क्या होगा सबसे अधिक तेजी तक जलेगा ठीक है हाँ पीठ जो है वो सबसे जो होगा हमारा लो होगा ठीक है क्या होगा सबसे लो होगा ठीक है तो यहाँ पर बात करी जाएगी जिसकी सतह चमकीली या फिर उच्चतम उसमी होगा तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा एंथ्रेसाइड या फिर पीठ हो जाएगा ठीक है ये देखिए सबसे पहले इसमें देखिए एकदम क्रम से लगा है सबसे पहले हमारा एंथ्रेसाइड ठीक है ये याद रखिएगा एंथ्रेसाइड हो जाएगा फिर बिटूमियस फिर लिग्नाइट और फिर लास्ट में हमारा कौन सा हो जाएगा पीठ ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि क्या कैसा था वो चमकीला था ठीक है चमकीला था तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो आपको चमकीला देखने को मिल रहा है एंथ्रेसाइड ठीक है फिर उसके बाद बिटूमियस हल्का सा इसमें क्या होगा कोयले की मात्रा सबसे अधिक होगी सॉरी कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होगी और कार्बन की जो मात्रा जब सबसे अधिक होगी तो क्या होगा वो चमकीला होगा और ज़्यादा देर तक जलेगा इसीलिए क्या होता है कि वो अच्छा होता है ठीक है उसके बाद बिटूमियस हमारा आ गया सेकेंड नंबर का लिग्नाइट आ गया फिर हमारा क्या आ गया पीट आ गया तो अब सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भाई सबसे ज़्यादा जो है भारत में जो है कोयला कहाँ पर पाया जाता है आज आपका जीएस का भी टेस्ट ले लेते हैं अगर कोयले की बात करी जाए ठीक है तो कोयला में हमारा कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे नंबर वन पे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा और हमेशा याद रखिएगा कि एंथ्रेसाइड जो है हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या होता है कोयला होता है पीट जो है वो हमारा सबसे बेकार क्वालिटी का होता है ठीक है फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है वो क्या होता है ड्राई क्लीन में यूज किया जाता है क्या होता है कि किस रसायन जो है वो ड्राई क्लीन में उपयोग किया जाता है मिट्टी के तेल का किया जाता है या फिर टेट्राक्लोरे थाइलिन के द्वारा किया जाता है या फिर बेंजीन के द्वारा किया जाता है ठीक है तो अगर बात करते हैं कि क्लीन की बात हो रही है तो क्लीन में हम किसको करेंगे जल्दी से बताइए कि इसका क्या हो गया भाई आप लोग लड़िए नहीं ठीक है सभी लोग अच्छे से आंसर दीजिए आज इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आज तो आप लोगों को बिल्कुल पूरा जो है ध्यान रखना चाहिए ठीक है किसी भी तरीके की कोई लड़ाई वड़ाई मत करिए ठीक है थीके? जल्दी से बताइए कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा दो और तीन ठीक है दो और तीन जो है वो सही रहेगा ठीक है यानी कि हमारा बेंजीन का उपयोग होता है और टेट्रा क्लोरेथाइल का उपयोग होता है मिट्टी के तेल का उपयोग हम लोग रसायन क्लीन में नहीं करते हैं ठीक है थीके? क्या होता है मैम कमेंट्स को ऑफ कर दीजिए नहीं नहीं कमेंट कैसे ऑफ़ कर सकते वरना हमें पता नहीं चलेगा आप लोग कैसे आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ठीक है चलिए लड़िए नहीं तुरंत तुरंत सब आंसर देते जाइए आज बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है ठीक है एक भी क्वेश्चन जो है तो समझ लीजिए कि आप रिपीटेड क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं ठीक है क्या कर रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं इसलिए एक भी क्वेश्चन के लिए आज बिल्कुल भी लड़िए मत तो और सिर्फ क्वेश्चन देखते जाइए ठीक है तो ड्राइक्न के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा एक बेंजीन का हो जाएगा कुल मिला के याद रखिएगा कि मिट्टी के तेल का है हम लोग उपयोग नहीं करते हैं ठीक है अब प्रोटीन अमीनो प्रोटीन की बात हो रही है प्रोटीन अमीनो अम्ल बहुलक है इसमें कौन से बंद होते हैं तो क्या पेप्टाइड होते हैं या फिर ग्लाइकोलिसिस बॉन्ड होते हैं या फिर एस्टर बंद होते हैं या फिर उप सह संयोजक बंद होते हैं यानी कि पेप्टाइड ग्लाइकोसाइड या फिर एस्टर या फिर कॉन्वलेंट हमारे होते हैं तो अगर बात करी जाए प्रोटीन की तो प्रोटीन क्या होते हैं हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं याद रखिएगा है, प्रोटीन जो है हमारे क्या होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ठीक है पवन कुमार जी ए के साथ बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग ठीक है चलिए तो पेप्टाइड अगर अगर प्रोटीन की बात करी जाए तो प्रोटीन हमारे किस काम में आते हैं प्रोटीन हमेशा याद रखिएगा हमारे सेल ग्रोथ में काम आते हैं इसीलिए सेल ग्रोथ हो गया या फिर टिश्यू को मेंटेन करते हैं ठीक है तो कभी कहा जाता है कि प्रोटीन को अच्छे से लीजिए तो आपकी जो स्किन विस्किन की जो सेल होती है वो अच्छे से बनती है इसलिए प्रोटीन आप सभी बहुत अच्छे से इनटेक किया करिए ठीक है अब आ गया है बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है ठीक है क्या आ गया है बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र तो क्या होगा ए एल टू ओ थ्री एफ ई टू ओ थ्री या फिर एन ए टू ओ थ्री या फिर सी ओ टू ठीक है तो अगर बॉक्साइड का बात की जाए तो बॉक्साइड हमारी क्या होगी ए एल टू ओ थ्री होगा ठीक है अच्छे से याद रखिएगा एक भी फॉर्म

तो जल्द याद नहीं रहता हाँ तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है हमारा ठीक है तो रेडियोधर्मी तत्व हमारे यहाँ पर सारे हो जाएंगे यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे ठीक है अगर यूरेनियम की भी बात करें तो ये भी हमारा रेडियो धर्मी है ठीक है थोरियम की बात करें तो थोरियम भी हमारा रेडियो धर्मी है अगर रेडियम की बात करें तो रेडियम तो है ही सभी जानते हैं ठीक है फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं रेडियोधर्मी तत्व तो, अस्थिर आ, आ, समस्थानिक होते हैं वो उन उप सूक्ष्म कड़ों या फिर ऊर्जा को मुक्त करते हैं जिनका वह छह करते हैं उदाहरण के लिए यूरेनियम मतलब कि आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं यूरेनियम प्लुटेनियम रेडियम थोरियम या फिर फ्रेशियम हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है फ्रेशियम हो सकता है अब चलिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है कि फाइंड कट डायमंड की बात हो रही है ठीक है कि द कलर द कलर्स इन द फाइन कट डायमंड आर ठीक है द कलर ऑफ जो होगा वो क्या होगा बिकॉज़ द विच अमंग द फॉलोइंग ठीक है तो देखते हैं कि हीरे की पारदर्शिता में भिन्नता आ जाती है या फिर अपवर्तन के सूक्ष्मकांक में फिलहाल सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है कि कोई भी इसको मिस मत करना ठीक है तो अगर हम फाइन कट की बात करते हैं तो अशुद्धियों की उपस्थिति में या फिर निश्चित समतल पर, परतों का अस्तित्व तो इसमें जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा याद रखिएगा क्या होगा अशुद्धि ठीक है प्रेजेंस ऑफ impurity ठीक है जितना ज्यादा फाइन होगा जितना ज्यादा फाइन होगा तो उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी अशुद्धि होगी ठीक है क्या होगी उतनी ही ज्यादा अशुद्धि होगी हमें देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि हीरा भाई सभी ने सुना है कि हीरा जितना तराशा जाता है उतना ही निखरता है ठीक है तो अगर फाइन कट की बात कर लेंगे यानी कि सबसे प्योर अगर तो वो क्या हो जाएगा अशुद्धियों की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी उसमें ज्यादा हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी हमारी जो है वो अधिक हो जाएगी ठीक है तो क्वेश्चन क्वेश्चन याद रखिएगा हाँ ठीक है चलिए अब भाई सब लोगों की एनर्जी मुझे कम लग रही है कुछ जल्दी जल्दी बताते जाइए कि सभी को आज क्वेश्चन जो है वो कैसे लग रहे हैं ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सभी का एक बार जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए तब हम अपने बायो के सेशन की शुरुआत करते हैं ठीक है सभी लोग बताइए भाई सभी लोग कहाँ चले गए राजेश मीना जी तो हैं अभी ठीक है जवाना तो है दुश्मन भी हैं <clears throat> ठीक है उज्जवल जी कहाँ चले गए सभी लोग कहाँ हैं भाई जल्दी जल्दी आते जाइए ठीक है एक भी क्वेश्चन आज मिस नहीं होना चाहिए संडे को इसीलिए मैंने आप लोगों की स्पेशल क्लास ली है ठीक है अब है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गर्भपात में बच्चे के जन्म के बाद पिट्यूटरी गंध यानी कि मास्टर ग्लैंड की, की बात हो रही है इसे कौन सा हारमोन्स छोड़ा जाता है ठीक है कौन सा हारमोन्स जो है हमारा जो है जब बच्चे का जन्म होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा कौन सा हारमोन्स होता है ठीक है चलिए सभी लोग हैं यानी तो प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा ठीक है या फिर एस्ट्रोजन हो जाएगा या फिर पोलैक्टिन हो जाएगा या फिर हमारा क्या हो जाएगा <coughs> टेस्टे स्टेरॉन हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा टेस्टे स्टेरॉन तो सभी बी बता रहे हैं ठीक है थीके? तो बी नहीं होगा याद रखिएगा कि बच्चे के जन्म के बाद यानी कि बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है प्रोलेक्टीन हमारा हार्मोन जो है वो एक्टिव होता है ठीक है प्रो, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो महिला विकास से संबंधित होता है ठीक है याद रखिएगा किससे महिला विकास से सिर्फ जयसवाल जी ने इसका जो आंसर एकदम सही दिया है वेरी गुड ठीक है तो वो होगा क्या होगा हमारा सी होगा ठीक है क्या होगा सी होगा वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या अभी आवाज आ रही है आप सभी को ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं ठीक है अभी आवाज आ रही है सभी जल्दी तो अगर उनको तो एक्टिव क्यूं? करता है ठीक है, करता है क्या करता है अगर प्रोजेस्ट्रॉन की बात करी जाएगी तो ये महिला विकास हो जाएगा ठीक है यानी कि जो महिलाओं में जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है एक उम्र के बाद उसके लिए हो जाएगा और अगर टेस्टेस्टेन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पुरुष के शारीरिक से रिलेटेड हो जाएगा ठीक है तो क्लियर हो गया तो याद रखिएगा कि बच्चे की जन्म की बात हो रही है ठीक है किसके बच्चे के जन्म के बाद हो रही है तो ये हमारा हमेशा याद रखिएगा प्रोलेक्टीन होगा किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों की क्लास में ठीक है फिर अगर देखते हैं कि कौन सा वर्णक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है कि वर्णक से पूछ रहा है कि कौन सा वर्णक ऊर्जा कैप्चर करता है यानी कि विच पिगमेंट कैप्चर द लाइट एनर्जी टू कन्वर्टेड द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ठीक है तो क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से बताइए ठीक है तो कौन सा एक ऐसा है जो हमारा क्या करता है रासायनिक ऊर्जा यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक ऊर्जा में हमारे फोटोसिंथेसिस की क्रिया को निभाता है तो क्या क्लोरोफिल होगा ठीक है क्या है? फिर हमारा कैरोटिनाइड हो जाएगा या फिर हमारा क्या होगा फ्लोरोनाइड्स हो जाएगा या फिर बटालियस हो जाएगा तो सभी का कमेंट आना चाहिए इसमें कि कौन सा एक ऐसा है, है जो कि प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करके प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है ठीक है तो सभी बता रहे हैं तो बहुत अच्छा सभी को पता है ये क्लोरोफिल ये

ठीक है यानी कि किसी तरीके की टिश्यू की बात हो रही है यानी कि ऊतक की बात हो रही है ठीक है कि हमारा कौन सा होगा जिसमें इलास्टिसिटी होगी या फिर कॉन्ट्रेस्टाइल ज्यादा होगा कि फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग तो उपकला उतक हो होगा या फिर सयोजी उतक हो होगा या फिर मास्पेसिया या फिर दिमाग तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी में आप लोगों के सारे क्वेश्चन मैंने ज्यादा से ज्यादा करा है इसलिए सब हम ऑप्शन बताते चले जाएंगे आप लोग देखते जाइएगा तो ये अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्टी की तो ये हमारा क्या हो जाएगा मास्पेशिया उ हो, हो जाती है ठीक है हम हमेशा अपने हाथों को अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं पैर को अच्छे से फोल्ड कर सकते क्यों क्योंकि वहां की जो मासपेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? लचकदार होती हैं, ठीक है ठीके? और क्या होती है वो सुकड़ने यानी हाथ मोड़ने में और सभी चीजों में हमारी मदद करती है ठीक है क्लियर हुआ फिर देखते हैं कि किस रोग के उपचार के लिए कु, आ, कुनैन की दवा का उपयोग किया जाता है यानी कि क्वनैन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज ठीक है क्या हमारा डेंगू होगा मलेरिया होगा चिकनगुनिया होगा या फिर क्या होगा दाद होगा यानी कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया या फिर रिंग वॉम होगा तो हमने बताया था कि कूनैन कूनैन की छाल ठीक है किसमें मलेरिया अगर हम मलेरिया के बारे में देख लेते हैं तो मलेरिया हमारा किस परजीवी परजीवी या फिर पैरासाइट तो किसमें प्लाज्मोडियम ठीक है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है ठीक है किससे प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है ठीक है और मलेरिया में किसकी जो दवा होती है वो उसकी दवा को क्या बोलते हैं क्वानीन बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं क्वानीन बोलते हैं जो कि किससे बनती है सिंकोना से ठीक है किससे बनती है सिंकोना वृक्ष से ठीक है सिंकोना एक प्रकार का पेड़ है वहाँ उसी की छाल से या फिर उसका जो छाल होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं मलेरिया की दवा पाई जाती दवा को बनाते हैं ठीक है तो जिसकी मात्रा जो है हमारे इंडिया में बहुत अधिक मतलब यानी कि कुनैन की अगर या फिर सिंकोना वृक्ष की बात करी जाएगी तो वो हमारा कहाँ पर इंडिया में बहुत अधिक माना जाएगा और अगर परजीवी की बात करी जाए यानी पैरासाइट की बात करी जाएगी तो कौन सा हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा और दवा जो बनती है सिंकोना से वो क्या हो जाएगा क्वानीन दवा हो जाएगी ठीक है कौन सी दवा हो जाएगी क्वानीन दवा हो जाएगी ठीक है अब मस्तिष्क की सोच का हिस्सा क्या है ठीक है कि व्हाट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा क्या होगा सेलिब्रम होगा ठीक है या फिर सेरी बेलम होगा या फिर मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम होगा या फिर हाइपोथैलमस होगा ठीक है तो इसमें सभी का कमेंट आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करवाया है मैंने कि मस्तिष्क की सोच का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा ठीक है तो याद रखिएगा कि अगर सोचने की बात होगी तो ये क्या होगा हमारा ब्रह्म होगा ठीक है जो कि किसके अग्र मस्तिष्क का भाग है अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो जो हमारा है अग्रपश्य और एक बीच बीच का जो पार्ट होता है वो होता है ठीक है और शहरीभ्रम में अगर अच्छा चलिए आप इसी में कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए कि हाइपोथेल्वस ठीक है हाइपोथैलमस जो है वो किस में आ, मतलब किसके लिए होता है ठीक है या फिर ये हमारे माइंड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारा हाइपोथैलमस कंट्रोल करता है ठीक है सेलिब्रम में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है जो सोचने के लिए ठीक है और क्या होता है पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है पढ़ने लिखने में जो भी होशियार लोग होते हैं उनका क्या होता है सेलिब्रमी ही अच्छा हमें देखने को मिलता है ठीक है तो सेलिब्रम अच्छा होगा सोचने के लिए पढ़ने के लिए ठीक है और कुछ करने की या फिर इच्छा जिससे भी जताई जाने की जो इच्छा होगी वो हमारे सेलिब्रम से होगी ठीक है हाइपोथैलमस जो होगा वो क्या होगा हाइपोथेलमस सभी बता रहे हैं ठीक है थीके? सोनिया जी बता रही हैं सोचने का काम ठीक है हाइपोथेलमस पूछ रहे हैं हाइपोथेलमस बताइए कि हाइपोथेलमस है वो किस लिए होगा ठीक है हाइपोथेलमस हमेशा टेम्परेचर मेंटेन करेगा कि ठीक है क्या मेंटेन करेगा टेम्परेचर यानी कि बॉडी के ताप को मेंटेन करेगा ठीक है सैरीवेलम की बात करी जाए तो सैरीवेलम हमारा क्या है ये भी एक अग्र मस्तिष्क का हमारा भाग है ठीक है क्या है अग्र मस्तिष्क का भाग है ठीक है तो क्लियर हुआ तीनों पार्ट आप लोग देख लीजिए माइंड के ठीक है फिर चलिए रिकेट्स निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है. तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए बायो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ाया था कि किसकी डिफिशियंसी से हमें यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटमिन ठीक है रिकेट्स किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है ठीक है <coughs> ठीक है तो किसकी कमी से होता है विटामिन ए होता है विटामिन बी वन होता है या फिर विटामिन सी होता है या फिर विटामिन डी होता है तो रिकेट्स की बात करी जाए तो ये क्या होगा हमारा विटामिन डी होगा ठीक है विटामिन डी होगा ठीक है अगर ए की बात कर ली जाए तो ए से हमारा क्या होता है रतौंधी होता है ठीक है क्या होता है रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से बी वन की बी वन या फिर बी की बात करी जाए तो हमारा क्या होता है वेरी वेरी होता है ठीक है ये किसकी कमी से थायमिन की कमी से अगर सी की बात करी जाए तो विटामिन सी का कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी की कमी से

BOOM! <coughs> आप क्वेश्चन आ रहा है कि दिए गए विकल्प में ठीक है थोड़ा सा पानी पी रहे थे ठीक है आप लोग ये मत सोचेगा कि कहाँ चले गए थे तो बात करते हैं कि दिए गए विकल्पों में विषम चुनना है ठीक है विषम एक कौन सा है मेढक सांप मगरमच्छ और क्या है खरगोश ठीक है तो यानी कि जल्दी से क्वेश्चन बताइए कि इनमें से जो है हमारा आ, रैबिट ठीक है सभी बता रहे हैं कि डी होगा <laughs> <laughs> हाँ बस खत्म ही हो रहे हैं ठीक है रिपीटेड क्वेश्चन है इस वजह से फटाफट रिपीट कर रहे हैं ठीक है तो ये क्या होगा हमारा खरगोश होगा ठीक है क्या होगा हमारा खरगोश होगा बाकी ये जो है हमारे कैसे हैं सब उभय चर ठीक है उभय चर ठीक है उभय चर है ठीक है उभय चर कैसे होते हैं है? जो जल और थल दोनों में यानी कि जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं बाकी अगर खरगोश की बात करी जाए तो खरगोश पानी में नहीं रहता है मानव कान के किस भाग में ध्वनि का ध्वनि की जो तीन हड्डियां होती हैं वो पाई जाती हैं तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था कि कान की जो ऐसी तीन हड्डियां होती हैं वो किस एरिया में पाई जाती हैं जो कि हमारा देखने को मिलती है तो क्या मध्य कान में श्रवण तंत्रिका में अरूणी में या फिर हमारी बाहकान में ठीक है तो जो हमारे सुनने में यानी कि ध्वनि में होती है वो तीन जो हड्डियां होती है वो मध्य कान में पाई जाती है ये क्वेश्चन हमने आपको भी बताया था कि यानी हाँ सरी सरप है सॉरी मैम ठीक है सॉरी गलती से ये हो गया ये हमारे क्या होंगे सरी सरप होंगे ठीक है क्या होंगे सरी सरप होंगे ठीक है कन्फ्यूज़न हो गया था ठीक है चलिए तो अगर बात करते हैं कि किस भाग में ध्वनि का तो हड्डियों की अगर बात करी जाएगी तो ये हमारी जो हड्डियां होती तीन तरीके की हड्डियां होती हैं हमने आपको बताया था ये हमारा क्या होता है हमारे किस में पाए जाएंगे मध्य कान में पाए जाएंगे हाँ भाई उभय चर हो सकते हैं या सरी सर्फ हो सकते हैं ठीक है थीके? पर वो उन दोनों की जो क्वालिटी होती है उन्हीं सभी जानवरों की वो जल थल दोनों में हमें देखने को मिल जाते पर खरगोश ऐसा होता है अकेला जो हमें जल में देखने को नहीं मिलता है ठीक है यानी कि वो हमें जमीन में ही रहता है ठीक है तो मध्य कान की जो तीन हड्डियां होती है सभी कमेंट करके बताइएगा कर, जब बायोलॉजी का सेशन करा रहे थे तो हमने आप लोगों को बताया था ठीक है चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी बोलना है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है तो फेफड़े की क्या ट्यूबर कोलॉसिस है कैंसर है या फिर टिटनेस है या फिर एलर्जी है तो अगर ये बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी ट्यूबर हो जाएगी, ये हमारी कैसी है जो हमारी कहाँ पाई जाती है हम हाँ, मतलब कहाँ किसको इन्फेक्टेड करती है लंग्स को करती है ठीक है यानी कि फेफड़ों को इन्फेक्टेड करती है और क्या हो जाता है इसमें कि अनिल सिंह जी भी आ चुके हैं ठीक है सभी लोग जितने लोग हैं सेशन को लाइक like और शेयर जरूर करते जाइएगा ठीक है तुरंत बिल्कुल शेयर करते जाइएगा सभी लोग ठीक है तो जो हमारा ये है तपेदे यानी कि ट्यूबर है ये किससे होता है एक जीवाणु से होता है किससे होता है जीवाणु से ठीक है उस जीवाणु का क्या नाम होता है माइक्रो बैक्टेरियल ट्यूबर कलॉसेस ठीक है क्या होता है माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबर कोलोसिस ठीक है ट्यूबर कोलोसिस होता है यानी कि अगर हम जीवाणु की बात करेंगे तो हमारा ये होता है और ये किससे हो जाता है ये कभी कभी हवा में इसका जीवाणु भी मिल जाता है और बाहर का जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं ठीक है उनसे भी हमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है इसका इंफेक्शन ट्यूबर का हो जाता है ठीक है तो क्लियर हुआ जल्दी से बताइए टाइम क्या रहता है इस क्लास का टाइम जो है हमेशा शाम को पाँच बजे रहता है ठीक है जी के क्रेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है जी के क्रेज बाई एम डी क्लासेज में ये क्लास लगती है बेसिकली ये रेलवे के लिए है ठीक है ये जो क्लास है वो रेलवे के लिए होती है ठीक है और रेलवे में यहाँ हम लोग साइंस को पूरा कवर करते हैं ठीक है चलिए फिर है कि सर्जरी के जो जनक है वो कौन है सर्जरी के यानी कि की हुज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी क्या चरक को जाना जाता है पतंजलि को जाना जाता है कि हिपोकेटस को जाना जाता है या फिर श्रुत को जाना जाता है तो फोर्टी नंबर फोर्टी फाइव का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चरक चरक को हम लोग किसके नाम से जानते हैं सर्जरी के जनक के रूप में जानते हैं ठीक है किसके सर्जरी के जनक के रूप में जानते हैं ठीक है सभी लोग जुड़े रहिएगा थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रह गए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ठीक है फिर निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी को आम तौर तो पर इंडियन विटर चेरी के नाम से जाना जाता है यह क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है सभी आपके जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसे इंडियन विटर चेरी के नाम से जाना जाता है तो ये हमारी क्या होती है अश्वगंधा ठीक है जो कि अश्वगंधा हमारी किसके लिए अच्छी होती है मस्तिष्क के लिए अच्छी होती है ठीक है किसके लिए अच्छी होती है, है? मस्तिष्क के विकास के लिए ठीक है जब भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे या फिर स्टूडेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि अश्वगंधा खाइए ठीक है क्या अश्वगंधा खाइए ठीक है चलिए फिर फिर ये सारे ही वैसे इंडियन के लिए सारे ही चीज़ें चीज़, गिलोए भी अच्छी होती है हम लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया एलोवेरा की बात करें तो ये भी दवाइयों या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसका आंमला का भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है तो सारे ही इंडिया में बहुत अच्छे से पाया जाता है पर अगर इंडियन विंटर चेरी की बात करी जाए तो अश्वगंधा हमारा होगा जो कि मस्तिष्क के विकास के लिए कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का पुर्वसंग है ठीक है तो क्या पुंकेश्वर है अंडप है या फिर बहादल है या फिर पराग है तो ये तो सभी को पता है कि पुंकेश्वर होगा ठीक है और और ये बाहदल और ये पराग नहीं होगा ठीक है पराग नहीं परागण होना चाहिए ठीक है तो नेक्टर नहीं होगा बाकी ये परागण जो है परागण क्रिया के दौरान जो है हमारा नेक्टर का उपयोग होता है ठीक है तो अगर पुरुष के पुष्पंग की बात करी जाएगी तो हमारा क्या होगा पुंकेश्वर होगा ठीक है पुरुष प्रजनन प्रणाली में भाग जो लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं ठीक है यानी कि पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग को पहचाने जो कि टेस्टोस्टेरोन का वो करते हैं सिक्रीशन करते हैं या फिर उत्पादन करते हैं तो हमारा टेस्टिस हो जाएगा या फिर यूरेथा हो जाएगा या फिर पेनिस हो जाएगा या फिर एपीडेडाइमस हो जाएगा यानी कि वृषण हो जाएगा मुतमार्ग हो जाएगा या फिर लिंग हो जाएगा या फिर अधिवृषण हो जाएगा तो याद रखिएगा कि टेस्टिस यानी कि जो टेस्टिस होते हैं वृषण होते हैं उससे टेस्ट स्टेरॉन का आ, उत्पादन होता है और ये क्या काम करते हैं हमारा सीमेन या फिर इस्पम फॉर्मेशन का काम करते हैं ठीक है थीके? अगर बात करी जाए कि अगर वृषण या फिर टेस्टिस का क्या काम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये आ, हमारा सी सीम या फिर क्या कहते हैं स्पम फॉर्म फॉर्मेशन का काम करते हैं ठीक है किसका काम करते हैं स्पम फॉर्मेशन कहाँ पर होता है तो ये सभी को पता है ये टेस्टिस में होता है ठीक है तो आप याद रखिएगा कि आप लोगों के लिए जो मैं थ्योरी क्लासेस लेके आई थी ठीक है हाँ सीमेंट का ही जो फॉर्म तो याद रखिएगा कि आपके लिए मैं थ्योरी क्लास में मैंने फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था सभी ने देखा कि नहीं देखा जल्दी बताइए कि क्लास में सभी लोगों ने ये देखा था अब आज या कल मैं आपके लिए मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लेके आऊँगी ठीक है क्वेश्चन से मुझे अंदाजा याद आ गया तो मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को कि जिस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव का सारा जो हमने बताया था आपको आपके बारे में उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसी तरीके से अब हम बहुत जल्दी Uh, मैं नहीं देखी थी तो सोनिया जी आप भी देखिए उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है अरे जायसवाल जी ने भी नहीं देखा आप लोगों ने क्लास में सर्च नहीं किया कि वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखिए जाके कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का पूरा क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया ठीक है आज या कल में आपके लिए आ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डल जाएगा इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते जाइएगा ठीक है अब है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यानी कि पौधों के सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होती है तो ये बात भी एकदम सही है पौधों में पर्ण हरित होता है तो ये बात भी सही है ठीक है फिर है कि पादप कोशिकाओं में हमारी क्या होती है सेलवॉल नहीं होती है तो क्या सेलवॉल होती है कि नहीं होती इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी लोग ठीक है एक बार स्क्रीन ले लीजिए क्लास के बाद इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है ठीक है स्क्रीनशॉट हो गया आप सभी लोगों का ठीक है फिर फोर्टी नाइन के बाद हमारा जो आएगा फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यह मांसपेशियां और शरीर और अन्य ऊतक की वृद्धि के लिए यानी कि मांसपेशियों की बात हो रही है और शरीर और अन्य ऊतक की वृद्धि में कि मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व तो आवश्यक है क्या प्रोटीन आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन या फिर हमारा रूफ एज फाइबर ठीक है तो अगर जहां टिश्यू मरम्मत की बात आएगी ठीक है क्या आ जाएगी टिश्यू मरम्मत की बात आ जाएगी तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा ठीक है प्रोटीन क्या करते हैं मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको था कि प्रोटीन जो है हमारे टिश्यू की मरम्मत करते हैं यानी किसके प्रोटीन है उनको अच्छे से इनटेक करने पे क्या होती है हमारी स्किन अच्छी होती है ठीक है क्यों क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे ऊतकों की क्या करते हैं मरम्मत करते हैं ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है फिर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो कि कार्डिया का रेस्ट और कुछ अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा थायरोक्सिन होगा तो थायरोक्सिन तो होगा नहीं क्यों क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला है फिर एमिनेफ्रीन होगा या फिर कैल्सी ठीक है या फिर हमारा कौन सा होगा कैल्सिटोनिन होगा या फिर इंसुलिन होगा तो सभी को पता है इंसुलिन हमारे शुगर से रिलेटेड है ठीक है और थायरॉक्सिन जो है हमारा किससे थायराइड ग्रंथि से है पर अगर वही बात करी जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा एपी -नेफरीन. एपी नेफरीन जो है हमारा क्या होगा हृदय घात से हमें संभालने के लिए या फिर हृदय संबंधी जितनी भी इलाज की जाती दवा के रूप में हम किसका एपी का उपयोग करते हैं ठीक है निम्नलिखित में से किस लवर कि जल में उपस्थित तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बहुत पेपरों में रिपीट होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस लवण की जल में उपस्थित ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि जल में ऐसा क्या उपस्थित होता है जिससे क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ठीक है तो क्या होता है ऐसा क्या सल्फेट होता है क्लोराइड होता है कार्बोनेट होता है या फिर नाइट्रेट तो याद रखिएगा पानी में नाइट्रेट की अधिकता किसका कारण हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण हो जाती है इसमें जो है बच्चा या

तो ऐसा कौन सा भाग है जो कि तरल और ठोस पदार्थ तो दोनों से मिलकर बना होता है ठीक है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं याद रखिएगा क्या बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं ठीक है थीके? और प्लाज्मा में ही हमारी ये सारी रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलती है ठीक है ये ब्लड का फिगर देख लीजिए कि जो रक्त मनुष्यों तथा अन्य जानवरों के शरीर में एक तरल पदार्थ होता है जो कि कोशिका के पोषक तत्व तो और ऑक्सीजन के यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है ऑक्सीजन का भी संवहन करता है ठीक है यानी ब्लड के ही द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का भी आवागमन या फिर परिवहन होता है ठीक है आवश्यक आवस्य, पदार्थ पहुंचाता है उपापचय अपशिष्ट उत्पादकों में कोशिकाओं से दूर रखा जाता है ठीक है तो आपका खून तरल और ठोस पदार्थों से बना होता है ठीक है तरल भाग जिसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं जो कि किससे बना होता है पानी लवण और क्या प्रोटीन से बना होता है ठीक है और आपके खून के जो ठोस हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं डब्लू होती है आर होती है और क्या होती है प्लेटलेट्स होती हैं ठीक है ठीके? जो कि किस में पाया जाता है प्लाज्मा में ही पाया जाता है ठीक है क्या होते हैं प्लाज्मा में ही पाया जाता है तो बेसिकली जो प्लाज्मा है वो नब्बे किससे बना होता है पानी से या फिर कुछ अन्य तत्व भी उसमें मिले रहते हैं ठीक है ठीके? और अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा ठोस जो पदार्थ होते हैं और तरल पदार्थ तो आपको पता है तरल पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा जल हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा जैसा यहाँ मे किया है और ठोस पदार्थ हमारे क्या हो जाएंगे डब्ल्यू हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा या फिर प्लेटलेट्स हो जाएगा इसीलिए जो प्लाज्मा होता है वो तरल और ठोस दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है ठीक है क्लियर हुआ ये क्वेश्चन फिर है विटामिन डी की कमी से क्या होता है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमारा रिकेट्स होता है, नाइट होता है या फिर हो चुका है, ये क्या हो रिकेट्स होता है नाइट ब्लाइडलेस या फिर रतौंदी की बात करी जाए तो ये किससे ए की कमी से होता है घेंगा की बात करी जाए तो ये किसकी कमी से होता है आयोडीन की कमी से होता है किसकी कमी से होता है आयोडीन की कमी से होता है ठीक है तो याद रखिएगा कि ग्लाइटोरस या फिर हमारा घेगा जो है 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 जब आयोडीन की कमी से होता ठीक है, है? चलिए फिर है हमारा ये पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों में घनत की कमी होने लगती जिसके परिणामस्वरूप हमें क्या हो जाता है आर्थियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है यानी कि क्या हो जाता है आर्थियोपोरोसिस हो जाता है ठीक है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आर्थियोपोरोसेस यानी कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है ठीक है बिना पंखुड़ी वाले फूलों में परागण की सबसे सामान्य विधि क्या होती है तो आप सभी को पता है क्या होगी हवा होगी पानी होगी या फिर हमारा कीड़े होंगे या फिर उपरोक्त में से सभी तो ये क्या होगा हमारा एयर होगा सभी को पता है कि बिना पंखुड़ी वाले फूलों का जो परागरण होता है वो सामान्यता किससे होता है हमारा हमारा हवा से होता है ठीक है किससे होता है हवा नहीं इसका जो होगा फिफ्टी फाइव का वो सभी हो जाएगा ठीक है सभी हो जाएगा ठीक है हवा से भी होता है कीड़े से भी होता है और किससे होता है ठीक है फिर चलिए निम्नलिखित में से किस कोशिका को से पित्त का श्रावण होता है ठीक है किससे हमारा जो है आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाइल जूस का जो श्रावण है वो किससे होता है तो हाइपोटोसाइट से होता है या फिर फे ब्राउन फैट सेल से होता है या फिर लिम्फोसाइट से होता है या फिर सोमेटोसाइट से तो याद रखिएगा किससे होता है हेपेटोसाइट सेल से होता है, है. यानी कि ये हेपेटोसाइट सेल हमारी कहाँ पाई जाती है लीवर में ठीक है कहाँ तो जो हमारा बाइल जूस का जो सिक्रीशन होता है वो किससे लीवर में हमें देखने को मिलता है ठीक है और बाइल जूस के कारण क्या होता है हमारा जो इसमें हाँ ठीक है सभी को पता है कि कि बाइल बाइल जूस का जो है वो हमारा लीवर से होता है ठीक है फिर हमारा जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पहली सुरक्षित तो और प्रभावी पोलियो की वैक्सीन का नाम दिया था तो जोना साल्क ने दिया था या फिर साइड ने या फिर डेविस ने दिया था या फिर अल्बर्ट साबिन ने दिया था ठीक है तो सभी को पता है कि अगर बात करें पोलियो की तो पोलियो को टीके का किसने जोनास साल्क ने किया था ठीक है किसने जोनास साल्क ने ही सबसे पहले पोलियो के टीके की खोज की थी ठीक है तो किसने करी थी पोलियो की जोनाल साल्क ने की थी ठीक है तो ये देख लीजिए एड, जोनाल एडवांस और जो थे इन्हों एक अमेरिकी थे बायोवाड़ी उन्होंने चिकित्सा के दौरान क्या सफल पोलियो टीके की खोज करी थी ठीक है तो चलिए ये देख लीजिए उन्होंने एक राष्ट्रीय रेडियो शो के दौरान घोषणा करी थी कि पोलियो के खिलाफ एक टीके का एक सफल परीक्षण किया है ठीक है तो यहीं से ही हमारे जो आज के क्वेश्चन है वो सारे खत्म होते हैं ठीक है थीके? सारे एक एक करके सारे क्वेश्चन जो यहीं पर ही हमारा जो आज का था सारे मिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड था आज के जो क्वेश्चन है वो यहीं पर ही सारे समाप्त होते हैं हमारा चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ठीक है वहाँ पर आपको सारे पी मिल जाएंगे और कल सभी लोग पाँच बजे फिर से अपने टाइम पे जी के क्रेज बाई एम क्लासेस पर सभी लोग जुड़िएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी आपको कैसी लगी और क्वांटिटी ठीक है चलिए फिर आपसे कल मिलते हैं तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय